और कई बार ऐसा होता है दूसरे पीरियड तक चले जाते हैं, लेकिन जो ब्लीडिंग होता है वो बंद ही नहीं होता है ना। तो जनरली जो प्रोटेक्टिव ब्लीडिंग होती है, जो एक्सेस जो ब्लीडिंग देखने को मिलता है, जो प्रोलॉन्ग टाइम तक चलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया की कंडीशन में लेके जाते हैं। तो मेनोरेजिया इज द मेडिकल टर्म फॉर द मेंस्ट्रुअल पीरियड विद एबनॉर्मल हैवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, है ना। ये प्रोलॉन्ग, जैसे कई लोगों का देखा होगा कि कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके साथ में 8 to 10 days चलता है, कुछ जो फीमेल्स होती हैं उनके साथ में फिर 7 to 8 days मेंसेस चलता है उनका। तो ये सारे जो है वो सब कैसा है, एक तरीके से प्रोट्रैक्टेड जिनका मेंसेस चल रहा है, तो एक नॉर्मल जो फिनोमेना के साथ होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स के साथ में कैसा होता है कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है उनके साथ में, एक किस जो कई जो फीमेल्स हैं उनके साथ में सिस्टमिक जो पैथोलॉजी चलता है, कई जो फीमेल्स हैं उनके साथ में लोकल जो पैथोलॉजी के साथ में, तो कई लोग जो होते हैं जिनके साथ में जो मेडिकेशन में रह रहे होते हैं किसी भी जगह पर, उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है, सपोज IUD है, एंटीकोगुलेंट जैसे ड्रग चल रहे हैं, तो वहां पर जाके जो उनका जो साइक्लिक ब्लीडिंग होता है वो कैसा होता है, एबनॉर्मल हो जाता है, वो प्रॉब्लम का प्रोट्रैक्टेड हो जाता है। तो मेनोरोजिया के जनरली हम लोगों ने कॉज देख रहे हैं, ये अब गायनी ऑफ तो हम लोग को वैसे नहीं, हम लोगों को मैनेजमेंट ही देखना है, लेकिन मेनोरोजिया की वजह क्या हो सकते हैं, एक हाइपोथायरिज्म है या कोगुलोपैथी है, डायबिटीज, ओबेसिटी है, इनके साथ में कई बार होता है मेनोरोजिया की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है, या फिर जो फीमेल्स होती हैं उनको पॉलिप है, कार्सिनोमा है, फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोमा है, या फिर जो कुछ ट्रीटमेंट रिलेटेड रहता है, ये कुछ कॉज होते हैं जिनकी वजह से कैसा होता है फीमेल्स के साथ में मेनोरोजिया की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलता है। जब हमारे पास पेशेंट आता है क्लिनिक पे तो हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, देन ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। एक दूसरा उसी प्रकार का टर्म होता है अपन लोगों का मेट्रोरिजिया, कई बार होता है मेट्रोरिजिया मेनोरिजिया की डेफिनेशन एक जैसी हो जाती है, तो डॉक्टर्स हैं स्टूडेंट उन लोगों को प्रॉब्लम आता है कि मेनोरिजिया में लेके जाना है कि मेट्रोरिजिया में लेके जाना है पेशेंट्स को। कई जो बुक्स कहती हैं कि जहाँ पे एसाइक्लिक ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है तो वो ही मेट्रोरिजिया है, लेकिन मेट्रोरिजिया को देखोगे तो कैसा होता है, एक इंटरमिटेंट ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग बिटवीन द रेगुलर मेंसेस पीरियड, कि जहाँ पर जाके जो मेंस्ट्रुअल मेंसेस चल रहा है किसी भी मरीज का, लेकिन रेगुलर जो पीरियड के बीच में मेंसेस आते रहना, कि 7 days में आ गया, 10 days में आ गया, फिर वो 5 दिन के लिए डिले हुआ, देन मेंसेस स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है हम लोग जानते हैं उसको मेट्रोरेजिया में लेके जाते हैं, है ना। मेट्रोरेजिया मीनोरेजिया है और दोनों के कॉज भी लगभग एक जैसे होते हैं, कि जहाँ पर जाके सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, PID है, प्रेगनेंसी है, जहाँ पर जाके देखोगे तो बर्थ जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे होते हैं, जहाँ पे यूटेरिन फाइब्रोइड की कंडीशन है, यूरेथ्रल पॉलिप्स है और पॉलिप्स की कंडीशन है, मैलिग्नेंट कैंसर्स हैं, वेजाइनल ट्रोमा है, तो इन सारी कंडीशंस की वजह से कैसा होता है पेशेंट के साथ में मेट्रोलिजिया की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो जहाँ पर जाके हम लोग का पेशेंट्स आ रहा है, ये वो पेशेंट्स डिफाइन कर रहे हैं अपने आप को, जो सिम्टम्स दे रहे हैं, ये किस वजह से हम लोग का जो जो पीरियड है आपसे पूछ रहा है, तो एक जो कुछ कॉज है जिनको लेकर हम चल सकते हैं, ये PID तो है ही अपना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, और इन्फेक्शन से सर्टेन वेजाइनल ट्रॉमा, प्रेगनेंसी, जो मेट्रोलिजिया की कंडीशन को लेकर आते हैं, ठीक है। और आगे हम लोगों ने रखा है स्कैंटीमेंसिस को लेकर अलग से टॉपिक रखा हुआ है, तो इसमें हम लोग मेट्रोलिजिया और मीनोलिजिया की जो कंडीशन है और उनका जो मैनेजमेंट है उसको देखने की कोशिश करते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है, डॉक्टर्स जो हम लोग क्लिनिक कर रहे होते हैं, जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और जो कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं, दोनों के साथ प्रॉब्लम कहाँ आता है, कि जहाँ पे पेशेंट मेनोरेजिया का आता है, आइदर मेट्रोरेजिया का आता है, जहाँ पर जो फीमेल्स बोल रही होती है, तो ब्लीडिंग हो रहा है। अब ब्लीडिंग हो रहा होता है तो जो हम लोग के माइंड सेट कर दिया जाता है कई बार, तो बहुत बार हम लोग का जो जो कॉलेज से पढ़ के आप निकल रहे होते हैं, तो माइंड सेट किस तरीके से कर दिया जाता है, अगर ब्राइट रेड ब्लड है तो ए मेडिसिन का ग्रुप है, अगर ब्लैक ब्राउन डिस्चार्जेस हो रहा है तो ये मेडिसिन का ग्रुप है, ठीक है ना। जैसे कई मेडिसिन होती हैं हम लोग जो बात करते हैं, जैसे हम लोग बोले ट्रिलियम, है ना, तो ट्रिलियम मेडिसिन से जनरली उन्होंने बोला कि जहाँ पर पेशेंट से ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, मेंसेस स्टॉप नहीं हो रहा है, ए साइक्लिक ब्लीडिंग चल रहा है और ब्राइट रेड ब्लड है, तो हम ट्रिलियम को यूज करेंगे। उन्होंने बोला कि जहाँ पर जाके अगर ब्लड जो ब्लड है वो कैसा हो रहा है, ब्लैक कलर का हो रहा है, ब्लैक कलर का जो प्रोलॉन्ग चला जा रहा है या फिर इंटरमिटेंट हो रहा है मेट्रोरेजिया की कंडीशन से, तो हम थायलस्पी वर्सा फैक्टर उसको देंगे, साइटेन होमोपैथ वो हेमामेलिस को देने की कोशिश करते हैं, कुछ सेमाइना को देने की कोशिश करते हैं, कुछ सिकिल कोर को देने की कोशिश करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कैसे जाना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कलर ऑफ ब्लड, ठीक है ना। लेकिन जब हम कलर ऑफ ब्लड के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या देखने की, मतलब तुम लोग देखोगे और हम सब देखते हैं क्या होता है, हमारा जो थेरापेटिक्स हुए और हमारा जो प्रिस्क्राइबिंग है ना, वो कैसे होता है, लिमिटेड हो जाता है,
मतलब उस हिसाब से आपके लिए क्या हो गया कि अगर ट्रिलियम हमारे लिए ब्राइट रेड ब्लड के लिए है, तो मतलब जो अगर कोई पेशेंट को ट्रिलियम के सिम्टम्स होंगे उसका पता चला कि जो ब्लड का जो फ्लू है वो ब्लैक ब्लैक कलर का हो रहा है या ब्राउन कलर का हो रहा है, तो क्या हम उसे प्रिस्क्राइब में नहीं लिखाएंगे, क्या उसे प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे? तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाता है। मतलब हम अगर माइंड सेट कर लें, हम फिक्स डिटी में चले जाएंगे कि ये मेडिसिन का ग्रुप है इस चीज के लिए और इस मेडिसिन का ग्रुप है इस चीज के लिए है, तो हम कई केसेस को ठीक कर ले जाएंगे और बहुत सारे केसेस को क्या कर देंगे, खो देंगे, है ना। अगर हम लोग रिपेटरी को किसी भी मेडिसिन को देखना, चाहे हम उसको ऑस्ट्रेलिया में जाके देखें, चाहे हम उसको ट्रिलियम में लेके देखें, नक्सबोमका में लेके देखें, फॉस्फोरस में लेके देखें, अगर इनको रिपेटरी के थ्रू जाने की कोशिश करोगे तो सबके अंदर ही कैसा है, मेनोरेजिया कंडीशन भी है, डार्क ब्लड भी इंक्लूड हो रहा है, ब्राइट रेड भी इंक्लूड हो रहा है। हम जाए कुछ रूब्रिक्स क्या शो कर रहे हैं, यहाँ ब्राइट रेड भी होता है इसमें, कुछ जो रूब्रिक्स शो कर रहे हैं वो ब्लैक भी होता है, कुछ रूब्रिक्स शो कर रहे हैं वो ब्राउन भी होता है। तो मतलब एक ही मेडिसिन में सारी चीजें हैं, और केवल हम ब्राइट रेड के आधार पर अगर हम ट्रिलियम को देखें, ब्राइट रेड के आधार पर हम नक्सबोमका को देखें, ब्राइट रेड के आधार पर हम सेवाइना को देखें, तो इनको प्रिस्क्राइबिंग में कैसे लेके आएंगे? क्यों? अगर हम मेंस्ट्रुअल जो सिम्टम्स लेके जाएंगे वो सारे कैसे हो जाते हैं, कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनको इंडिविजुअलाइजेशन करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम टोटल फीमेल सिम्टम्स को उठा के देखते हैं, और इसको ब्राइट रेड ब्लड हो रहा है, प्रोटेक्टेड हो रहा है, 8 से 10 दिन चलता है, तो वो तो सेवाइना में भी होता है, डिपेंड होता है वो मेडिसिन से, उनके साथ भी देखने को मिलता है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करें, जो सबसे बड़ा जो डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं प्रिस्क्राइबिंग में, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम ब्लाइंडली जाना नहीं चाहें, बहुत सारे लोग जो है वो कैसे जाते हैं, ब्लाइंडली चले जाते हैं, उन्होंने अभी ट्रिलियम दे दिया वो काम नहीं कर रही तो सेन्यूस में दे दिया, सेन्यूस से काम नहीं कर रहा है तो अदर मेडिसिन उठा, वो एक ना एक मेडिसिन कोई काम कर जाएगी, लेकिन तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट की जो कंडीशन होगी वो वर्स होती रहेगी, और पेशेंट को भी सफर करना पड़ेगा, और सर्टेन टाइम्स आपको भी सफर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पेशेंट क्या होगा, वो छोड़ के चला गया आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो डिफिकल्टीज है, हम लोग उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिशनर है और जो भी कॉलेज लाइफ में, दोनों लोगों में, है ना। एक तो पहले से अपने माइंड को कहीं भी सेट नहीं करना है, फिक्स नहीं रखना है कि जो पर्टिकुलर जो मेडिसिन है वो किसी पर्टिकुलर हेमरेज पर्टिकुलर कलर्स के लिए, जो सही प्रैक्टिसनर है, जो अकॉर्डिंग टू हेनी वेंडर अच्छा है ना, अकॉर्डिंग टू हॉर्मोन प्रैक्टिस करना चाह रहा है। और दूसरा जो पॉइंट होता है कि हम किसी भी थेरापेटिक्स को स्पेसिफिक नहीं कर सकते हैं, जो हम लोग कई बार गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि जो भी हम जहाँ बैठते हैं किसी के अंडर में, जो हम किसी के अंदर सीख रहे होते हैं होम्योपैथी को, और हम कॉलेजों से देख रहे होते हैं, सेटेन जहाँ से भी आप लोग सीख रहे हैं, तो कई बार कैसा होता है हम प्रिजुडाइज होते जाते हैं, फिक्स होते जाते हैं, हम स्पेसिफिक मेडिसिन की तरफ चलते जाते हैं। तो जितना हम स्पेसिफिक होते जाएंगे उतना ही हम क्या करते जाएंगे, अपने पेशेंट्स को खोते जाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक रेमेडीज का मे भी हो सकता है 10 में से 1 में काम करे, 10 में से 2 में काम करे, लेकिन 8 और जो 7 केस होंगे आप टेली में जाओगे, लेकिन जब आप टोटेलिटी ऑफ द सिम्टम्स पे जाओगे, अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी प्रिस्क्राइबिंग में लेके जाओगे, तो फेल्यूर के चांसेस कैसे हो जाएंगे, कम होते जाएंगे, राइट ना, वो कम होते जाएंगे आपके, क्योंकि भी आप एक केस में फेल हो रहे हो लेकिन वो 10 केसेस में कैसा आपको रिजल्ट दिख रहा है। तो हम लोग देखने की जरूरत है, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है इस चीज को, कि प्रिस्क्राइबिंग कैसे करना है। तो मीनोरेजिया और मेट्रोरेजिया देखोगे तो दोनों हर एक मेडिसिन के साथ में है, आप चाहे बोलिक को पढ़े, चाहे क्लार्क को पढ़े, कोई बुक को पढ़ेगा, तो हर मेडिसिन के अंदर मेट्रोरेजिया भी है, हर मेडिसिन के अंदर जनरली देखोगे तो मीनोरेजिया की कंडीशन भी देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ मेडिसिन के साथ में कलर भी कैसे है, ब्लैक भी है, ब्राइट रेड भी है, क्यों? क्योंकि हम लोग किस पे, पैथोलॉजिकल प्रिस्क्राइबिंग पे नहीं जाते, क्योंकि हम लोग का जो बेस किस पे, इंडिविजुअलाइजेशन। और जब अगर इंडिविजुअलाइजेशन करना आ रहा होगा, हमें डिफ्रेंशिएशन करना आ रहा होगा, तो मेडिसिन अपने आप अलग होती जाती है ना। जैसे हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करें इस चीज को लेकर, ये सपोज जो पहली मेडिसिन, अगर हम लोग जो बोलते हैं कि जहाँ पर कोई पेशेंट हम लोग के पास में आता है क्लिनिक पे, और क्लिनिक पे वो अपने सिम्टम्स को देता है कि डॉक्टर साहब हमारा जो ना ब्लीडिंग है वो रुकी नहीं है, जो लास्ट मंथ आया था तब से ब्लीडिंग आया, 20 में 1 दिन के लिए रुका फिर कंटिन्यू हो गया, या कोई पेशेंट आ रहा है यार 7 डेज 8 डेज में क्या होता है, मेंसेस स्टार्ट हो जाता है, और कुछ जो 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए बंद होता है, देन फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब इस तरीके के पेशेंट आते हैं, चाहे वो एक पेशेंट मेट्रोलॉजिया की कंडीशन लेके आ रहा हो या फिर मेनोरोजिया की कंडीशन लेके आ रहा हो आपके पास, तो सबसे पहले आपके माइंड में मेडिसिन कौन सा आता है, कौन सा मेडिसिन आता है आपके माइंड में बताइए। अगर कोई पेशेंट आता है वो ब्लीडिंग को लेकर आ रहा है कि डॉक्टर साहब हमारा मेंसेस रुक ही नहीं रहे, तो आपके माइंड में पहली मेडिसिन कौन सा आता है, आप केस्टिकिंग करते होंगे या फिर विदाउट केस्टिकिंग, हाँ ये मेडिसिन का ग्रुप है तो वो इन चीजों के लिए यूज होता है। ऐसे देखोगे तो मीनोरेजिया में 333 मेडिसिन है,
330 डिग्री मेडिसिन के अंदर मेट्रोलोजिया की कंडीशन है, और करीब 250 मेडिसिन के अंदर मेट्रोलोजिया की कंडीशन है, राइट ना। तो 330 जो मेडिसिन है और 250 मेडिसिन से 550 और 550 मेडिसिन को याद रखना कठिन है ना। लेकिन 550 मेडिसिन और बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है जो कैसे होती है बार बार यूज में आती है, तो 60 से 70% पेज होते हैं उनसे कवर हो जाते हैं। तो कौन सी मेडिसिन आता है फर्स्ट हम लोग के माइंड में? बोलो सब है ना सर। सेवेन, वेरी गुड। और प्रोफ्यूज ब्रीडिंग है तो ट्रिलियम। ट्रिलियम, राइट है, ट्रिलियम भी ठीक है। और इसके अलावा इसके अलावा कौन सी आती है? ट्रिलियम आया, सेवाइन आया, यार मेरे को कोई इशू नहीं है। अब ट्रिलियम और सेवाइन में डिफरेंशिएशन क्या है? अगर एक पेशेंट आ रहा है हम लोग को लग रहा है कि उसको ट्रिलियम देनी चाहिए या सेवाइन देनी चाहिए, तो हाउ टू डिफरेंशिएट? मैं बेसिक्स पे जाके चल रहा हूँ, आप लोग बेसिक्स से देख रहे हैं, आप लोग समझ में आना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, प्रूफफुल स्टडी होना चाहिए ऑलवेज, चाहे वो हम लोग कितना भी पढ़े, लेकिन स्टडी कैसा होना चाहिए? प्रूफफुल, यूज में आना चाहिए हम लोगों को। क्या डिफरेंशिएशन होगा सेबाइना और ट्रिलियम में? बोलो बताएगा। नहीं, सबाइना में सब ब्लड डिस्चार्ज ज्यादा होता है, ट्रिलियम वो मतलब ज्यादा ब्लड डिस्चार्ज होने में मैंने उसको रोकने के लिए। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, मीन्स चलिए जो हम लास्टिंग रहता है लोग, ज्यादा देर तक। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसको, है ना। एक केस को जैसे आप लोग देखते हैं कुछ केसेस के थ्रू, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सपोज एक पेशेंट हम लोग के क्लिनिक पे आता है और हम लोग मीनोलॉजी मेट्रोलॉजी को साथ ही चल रहे हैं, और हम लोग जो बात करते हैं, जैसे एक पेशेंट जो हम लोग के पास में आ रहा है और पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब जब से हमारा ना मेडिसिन जो मेंसेस स्टार्ट हुआ है ना रुका नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने पूछा कि जो भी डॉक्टर है उससे पूछा कि ब्लड कैसा हो रहा है? हाँ, ब्राइट रेड ब्लड हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम चलते हैं ना तो वैसे ही कैसा होता है, ब्लड रुक जाता है, हम लेटे रहते थे ना तो ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, ठीक है। और कई बार पेशेंट बोलता है कि हम लेटते हैं तो ब्लड कैसा होता है, रुक जाता है, चलने पे कैसा होता है, ब्लड होने लगता है। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, हमें क्लियर नहीं कर पाते हमें लेटने पे ब्लीडिंग हो रहा है कि हमारे चलने पे ब्लीडिंग हो रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम कैसा होता है, लेटे रहते हैं तो ब्लीडिंग कम रहता है, जैसे हम चलते हैं तो ब्लीडिंग होने लगता है। और हमारा जो पीरियड भी था ना, जब नॉर्मल मेंसेस भी चल रहा था, अभी तो रुका ही नहीं 1 महीने से, वो भी 7 डेज 8 डेज हमारा मेंसेस हमेशा रहा है, ठीक है। तो उसका रिपोर्ट देखने की कोशिश किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा, कोई पैथोलॉजी तो नहीं चल रहा है, तो लोगों ने उसका इन्वेस्टिगेशन कराया, तो लोगों ने यूएसजी कराया, तो मे बी उसके साथ में हो सकता है कि क्योंकि जहाँ पर मीनोरिजिया की कंडीशन आती है सेकेंड टाइम, तो वहां पर कारण क्या रहता है? फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, है ना। कई बार जो मेनोरेजिया होता है पेनलेस होता है, और कई बार कैसा होता है? पेनफुल होता है ना। तो आप लोगों ने मेज के जो कॉज देखे थे मेनोरेजिया की, जो हम लोग बात कर रहे थे, ये मेनोरेजिया की जो कंडीशन होती है ये सिस्टमिक, लोकल और ट्रीटमेंट रिलेटेड इतने सारे कॉज हो सकते हैं मेनोरेजिया के। तो कुछ भी आपको फाइंड आउट हुआ, आपने पता लगाया कि हाँ इसको मे बी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, लोकल चल रहा हो, फाइब्रॉइड चल रहा है, तो उसकी वजह से इसको ये ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। देन आप किस स्टेजिंग में आगे बढ़े? अभी जो पेन में होता है क्या, जब पीरियड होता है तो पेन होता है, या जो मेंसेस अभी चल रहा है कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है उसमें क्या आपको पेन हो रहा है? पेशेंट कह रहा नहीं हमें कोई पेन नहीं हो रहा है ना, कोई इस वजह के पेन नहीं हो रहा है। अब जो स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है किसी पर्सन से, हम जनरली जो टेस्ट टेकिंग करते हैं तो वहां पर जाके जो पेशेंट हम लोग का कह रहे हैं नेचर, तो ठीक है सर, जनरली जो हम लोग की लैंग्वेज भी होती है हमारे क्लिनिक पे, जब पेशेंट हम लोग देख रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ पेशेंट से जब हम लोग का स्वभाव पूछने की कोशिश करते हैं तो उनका एक ही आंसर होता है। क्या आंसर होता है? स्वभाव तो बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। अब बेचारे जो फिजिशियंस होते हैं डॉक्टर होते हैं वो फंस जाते हैं, स्वभाव जो बढ़िया है उसके लिए क्या लेके आए,
लेकिन डॉक्टर्स हैं, हम लोग भी टेस्टिंग करके बैठे हुए रहते हैं, तो आगे जो उसका क्वेश्चनिंग रहता है या जो भी तुम लोगों का जो क्रैम रहता है जो माइंड में, या फिर जैसा जो पेशेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं ऐसे नॉन वर्बल टेस्टिंग का जो पार्ट होता है, या आपने जो भी ऑब्जर्व किया है, जो भी पेशेंट में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन लग रहे हैं आपने पूछा, तो पेशेंट को आप लोग क्या पा रहे हैं कि जो हम अपने जॉब को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्सियस है, हमें एक भी दिन हमारा मिस नहीं होता है, एक भी दिन अगर हमें जरा सा गलती हो जाए ना अपने जॉब को लेकर, हम कभी लेट पहुंचे या हमें कभी जल्दी आना पड़े, बहुत गिल्टी फील होता है। हमारा जो ड्यूटी है, जो पंक्चुअलिटी है, इसको लेकर हम बहुत ज्यादा कॉन्सियस है, और हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है अगर हमें किसी को हमने टाइम दे दिया है वो पर्सन 10 मिनट लेट आता है। मुझे लगता है क्या है आदमी को टाइम पे वैल्यू नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस चीज को लेकर। तो ये तो कह सकते हैं ड्यूटी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्सियस रहते हैं, एक टाइम पंक्चुअलिटी हमारे साथ में बहुत ज्यादा है, और साफ सफाई को लेकर भी हमें सेम लगता है उसी चीज को लेकर, ये अगर जरा सा भी कहीं पे जाके गंदा होता है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कई बार हमें डर लगता है कि इतना सारा ब्लीडिंग चल रहा है तो ऐसा तो नहीं कि कहीं हमें कैंसर हो जाए या हमें कोई बड़ी बीमारी हो गई है, क्योंकि हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन वो जब तक वो हॉर्मोनल्स देते हैं टैबलेट तो ब्लीडिंग तो रुक जाता है, देन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ऐसा 2-3 सालों से परेशान है, तो आपका किसी ने एड्रेस दिया तो आपके पास आए हुए, तो कई बार माइंड में डाउट होता है कि जो मेंशंस बार बार आ रहे थे ऐसा नहीं तो कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रहा हो, तुमने और आगे जाके उसको जानने की कोशिश किया पेशेंट्स को। तो फैमिली को लेके, तो फैमिली को लेके जितना अपने काम को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना हम डिवोटेड है अपने काम को लेके, उतना अपनी फैमिली को लेके भी डिवोटेड, मतलब फैमिली को लेके जहां जब जरूरत होनी चाहिए तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है कई बार वो चूज करना, जब अपनी ड्यूटी को लेकर अपनी फैमिली को ऊपर लें, वो जब कहीं भी हम लोग के साथ हमारे साथ में कहीं मिस होती है चीज तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है इस चीज को, है ना। तो ऐसे देखा जाए तो हम कमा किस चीज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फैमिली को टाइम तो देनी चाहिए हमको, ठीक है। उन्होंने पूछा और इसके अलावा खाने पीने में क्या अच्छा लगता है, कॉफी अच्छी लगती है, नींबू पानी बहुत ज्यादा पसंद है, सोडा बहुत अच्छा लगता है पीने के लिए, दूध भी बहुत अच्छा लगता है, खट्टी चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है ना, नमकीन चीजें हम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, और पीरियड इस तरीके से चल रहा है पेशेंट्स का, है ना। तुमने पूछा कि जब ये 1 साल 1.5 साल पहले, जब भी 2 साल जब से पेशेंट की कंप्लेंट हुआ, जब से स्टार्ट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम पे क्या, कोई दिक्कत हुई थी क्या पेशेंट, बोला कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी फैमिली में तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा जरूर हुआ था कि वो हमारे जो फास्ट फ्रेंड थी तो उसके साथ में कुछ मैसे हैपनिंग हो गया था, तो उसको लेकर मुझे जरा सा टेंशन हुआ था तो सुना था, लेकिन वो रिजॉल्व हो गया, ज्यादा टाइम माइंड में चला नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद जो इस तरीके की जो कंप्लेन है मुझे डेवलप हो गया, अब तो इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता होती है, कई बार तो ऐसा लगता है बस शांत बैठ जाओ, बात नहीं करो किसी से, कमरे बैठ के टीवी देखते रहो, किसी बात करने का मन नहीं होता है हमारा, हम अपने जॉब से आते हैं, अपने ऑफिस से आते हैं, कमरे में बैठ जाते हैं 10 मिनट रिलैक्स, अगर कोई जरा सा बात करता है ना तो इरिटेशन होने लगता है। अब यहाँ पे देखोगे तो पूरा टोटेलिटी है हम लोगों के पास, जो हम इस केस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जाके आपको सफिशियंट सिम्टम्स हैं किसी भी मेडिसिन के साथ में, अगर हम उसका फीमेल्स जो सिम्टम लेके चले तो भी हम लोग देख रहे हैं, एक पेनलेस ब्लीडिंग होने देखने को मिल रहा है, उसको फाइब्रोइडियासाइटिस जो सिस्टम है, कैसोमा फाइब्रोइड एडिनोमायोसिस या कुछ भी उसको जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो वजह हो सकता है उसके साथ में पेशेंट के साथ में, और उसके मेंस्ट्रुअल जो इररेगुलरिटीज उसके साथ में देखने को, हम उसको जो डिजायर वर्जन है हम लोग को उसका देखने को मिल रहा है, कुछ स्वभाव की मेडिसिन की झलक देखने को मिल रही है। तो अगर हम लोग बात करें तो किस मेडिसिन के सिम्टम है, यहाँ पे क्या प्रिस्क्रिप्शन में आना चाहिए, क्या मेडिसिन का सिम्टम अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो तुम उसे पूछ सकते हो। अच्छा और कुछ क्या लगता है खाने में अच्छा, अगर जो सिंगल मेडिसिन कर रहे होंगे तो वो जरूर समझ पा रहे होंगे हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब डिटेल्स में जाएंगे इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा तो हमें माइंड इमोशंस फिजिकल टोटेलिटी पर बेस करके चलना पड़ेगा, बिना हम उसके नहीं चल सकते। अगर आपको डिजायर एवर्जन में जाके और भी होगा, पेशेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, जूसी थिंग्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है,
यहाँ तो मेडिसिन क्लियर हो जानी चाहिए। किस मेडिसिन के सिम्टम है, किस मेडिसिन के सिम्टम है सर? सर किस मेडिसिन के सिम्टम है? जूसी थिंग डिजायर से और इमोशनली डिस्टर्ब चल रही है। बेरेट्रम एल्बम हो सकता है, बेरेट्रम एल्बम हो सकता है। क्या मेडिसिन आएगा प्रकाश जी? जी सर, क्या मेडिसिन आएगा आप लोगों के माइंड में यहाँ पे? समझ आया जो बताने की कोशिश कर रहे थे, सिम्टम समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर? एक पुस मैंने एक मतलब रिपीट कर दिया सर कुछ। रिपीट करें इसको, ठीक है, कोई सुने शॉर्ट में सर। हाँ, कि जहाँ पे मतलब सपोज हम लोग के पास कोई पेशेंट आता है, पेशेंट हमारे क्लिनिक पे है, वो हम लोग को बोल रहा है कि मेनोरेजिया तो बोलेगा नहीं पेशेंट, ब्लीडिंग चल रहा है, मेंसेस हमारा जब से स्टार्ट हुआ बंद ही नहीं हो रहा है और एक कई सालों से हम लोग का प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम जब भी हॉर्मोनल टेबलेट लेते हैं देन नहीं ओके हो जाता है, लेकिन फिर एक आध दो महीने के बाद में कंपनी में स्टार्ट हो जाता है, जब पीरियड स्टार्ट होता है तो चलते रहता है, रुकता नहीं है, लंबे समय तक चलता है, कई बार 15-15 दिन भी चलेगा, 18-18 दिन भी चलेगा, कई बार होता है कि वो अगला महीने शुरू हो जाता है ना पेशेंट है, पर हम लोगों ने उसका स्वभाव जानने की कोशिश किया या कलर जानने की कोशिश किया, तो बोले कि ब्राइट रेड ब्लड होता है, और उसका हम लोगों ने जानने की कोशिश कर नेचर को लेकर, जो पेशेंट्स है वो कैसा देखने को मिल रहा है, ड्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा बाउंडेड है, कि हम जरा सा लापरवाही अपनी ड्यूटी के साथ, हम जो ऑफिस में काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, तो टॉलरेट नहीं होता मुझसे, हम लापरवाही करते हैं तो कोई पर्सन जरा सा लेट होता है टाइम में अपने काम को लेके, सीरियसनेस में देखा था, इरिटेशन होता है मुझे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सेम एज फैमिली को लेकर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो भी करते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब हम ऐसी जगह पर फंस जाएँ जब हमें अपने फैमिली और काम में से एक को चूज करना पड़े, अगर हम काम में चले जाते तब भी मुझे गिल्टी फील होता है, यार फैमिली के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम फैमिली के साथ चले जाते तो भी मुझे गिल्टी फील होता है, यार जॉब भी तो हमारा है, तो एक ड्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा रहता है हमें, जब वो फैमिली को लेकर हो चाहे हमारे अपने काम को, है ना, और जनरली देखा जाए तो और पूछ सकते हैं, हमें जो नैरो प्लेसेस होती है उससे हमें डर भी लगता है, ऊंचाई पे हम नहीं जा पाते हैं, ऊंचाई से डर लगता है, खाने पीने में हमें कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी लगती है, लेमनेड हमें, नींबू पानी बहुत अच्छा लगता है, सोडा हमें बहुत अच्छा लगता है, लेमन का डिजायर होता है, मिल्क हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, सॉल्ट का डिजायर होता है, जूसी जो थिंग्स होती है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं खाने में, है ना, और यहाँ पे जाके देखोगे पेशेंट्स को कि जो ब्लीडिंग है वो पेनलेस है, और जो पेशेंट्स ने बोला कि कब से, जो 1.5-2 साल पहले जो उसका फ्रेंड के साथ में कुछ मिसहैंडलिंग हुआ था, तो वो एक न्यूज़ मेरे पास आया जस्ट देन, उसके बाद में स्टार्ट हो गया हमारे साथ में, लेकिन इसके कोई ऐसा खास रिलेशन लगता नहीं, क्योंकि वो तो दोस्त थी, लेकिन मेरी क्लोज बन थी, तो उसके साथ में जो मिसहैपनिंग हुआ उसको मैंने सुना, तो दूसरे दिन मुझे बुरा लगा, और 2-3 महीने बाद ये जस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ में आया कि जो हमारा पीरियड था वो इरेगुलर हो गया, तो सर रिपोर्टरी में डालना पड़ेगा ना सर? क्या डालना पड़ेगा? वो कंप्यूटर रिपोर्टरी में? नहीं नहीं, कंप्यूटर रिपोर्टरी में डालना पड़ेगा, लेकिन एक एसेंस तो हर एक मेडिसिन का निकलता है ना, मान के चलो आज हम लोग लैपटॉप लेके नहीं गए, नहीं कंप्यूटर लाए, कंप्यूटर खराब हो गया हमारा, पेशेंट आ गया और हम लोग केस ले रहे हैं, तब जी सर मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर सकते ना, हाँ वो तो होना चाहिए, ये सारे सिम्टम एक ही मेडिसिन के हैं, एक ही मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन है यहाँ पे माइंड में आना चाहिए, ड्यूटी कॉन्शियस काली कार हो सकती है, कई लोग बोलेंगे काली कार ड्यूटी कॉन्शियस होता है, काली बाइक्रोम ड्यूटी कॉन्शियस होता है, इवन काली ग्रुप ही ड्यूटी कॉन्शियस होता है, अमोनियम ग्रुप भी ड्यूटी कॉन्शियस होता है, नेटम ग्रुप भी कॉन्शियस होता है, ड्यूटी के लिए बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ये कई मेडिसिन हम लोग के माइंड में आती है, क्या ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपनी ड्यूटी को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, है ना, ठीक है, लेकिन हम लोग स्वभाव देखे जहाँ फियर ऑफ नैरोपोलिसिस है, हाइट को लेके है, लेमिनेट डिजायर है, सार ड्रिंक्स लग रहा है, जूसी थिंग्स लग रहा है, यहाँ से मेडिसिन कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, यहाँ पे आपका काली ग्रुप होता है वो थोड़ा सा हट जाता है ना, ये सारे जो सिम्टम्स है किसके, सेवाइना, स्ट्रॉन्ग फीचर्स है सेवाइना के, लेकिन हम लोग सेवाइना को किस चीज के लिए याद रख करके रखते हैं, ब्राइट रेड ब्लड होता है, किसी को थर्ड मंथ में अबॉर्शन हो रहे हैं, या फिर जो एक्सपल्सन ऑफ द मूल्स हो रहा है,
तो हम उसको सेवेना दे देंगे। लेकिन ये जो तीनों सिम्टम्स है कम से कम नहीं तो 100 मेडिसिन के अंदर होंगे। तो जो हम लोग सिखाने की बात कर रहे हैं, जो हम सीखने की बात कर रहे हैं आपके साथ, और तुम लोग जो सीखने की कोशिश कर रहे हो कि सेवेना के क्या इन तीन सिम्टम के बेस पे क्या हम हर पेशेंट को दे सकते हैं? नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन हम जो सिम्टोमेटोलॉजी पढ़े, जो हम इसेंस पढ़े हो, जो हम लोग एक टोटेलिटी पढ़े हैं जो सेवाइना की, अगर हमें पेशेंट जब जब मिलेगा तब तब हम उसको क्या कर सकते हैं, मेडिसिन देंगे और हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स है वो सेवाइना के हैं। और सेवाइना कैसी मेडिसिन से कि जहाँ पे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होगा, जहाँ पे किसी को अबॉर्शन की कंडीशन होगी, एक्सपल्सन ऑफ द मोल्स होगा, मीनोरेजिया होगा, मैक्रोरेजिया होगा, तो सर्टेन होम्योपैथ प्रिस्क्राइब करते हैं जी। लेकिन उसे पूछा जाए सेवाइना क्यों, वाई सेवाइना, वाई तुम फेल हो जाते हो, सेवाइना क्यों? तो फेल ली होना हम लोग को, पास होना है। सेवाइना में कब देनी है? जब हम लोग को पेशेंट कैसा मिल रहा है, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी कॉन्शियस में सेवाइना तो नहीं दी? किसमें? ड्यूटी कॉन्शियसनेस, ड्यूटी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, नहीं नहीं, ड्यूटी कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेवाइना है स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि बोल्ड में जाके चले जाएंगे जो कालीकार जैसा है, लेकिन इसकी जो ड्यूटी कॉन्शियसनेस रहता है इसका, और जो ऐसे पर्सन रहते हैं जो लाइफ देयर टू द फैमिलीज, हम लोग जाएंगे जो बेतुल का जो लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वजह के मेंशन किया उसके साथ में, जो फियर ऑफ नैरो प्लेसेस, फियर ऑफ हाइट उसके साथ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई जो प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसके साथ में कैसा है, सेवाइना जो होता है, ये प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है इसके साथ में, कि सेवाइना का जो फ्लावर होता है, जो पेटल्स होते हैं, उसमें कैसा होता है, पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। पोटेशियम बहुत ज्यादा होने से इसके बहुत सारे जो सिम्टम्स है किससे मैच खाते हैं, काली से, काली ग्रुप से, क्योंकि काली जो ग्रुप है, जो काली कार में है, या जो काली की जो अदर मेडिसिन है, वो सब उसके साथ में कैसा है, तुम्हारा पोटेशियम कंटेंट बहुत ज्यादा है। जब पोटेशियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो हमें ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और सेवाइना का जो प्लांट है, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, जो पेटल्स हैं, इसमें पोटेशियम जो कंटेंट कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसकी प्रूविंग में भी कैसे सिम्टम देखने को मिले, काली ग्रुप जैसे। और हम लोग के साथ में प्रॉब्लम कहा था, जब हम ऐसे सिम्टम देंगे तो मोस्ट ऑफ जो होंगे फिजिशियन जो क्लासिकल प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, वो काली कार पर बहुत ईजिली चले जाएंगे या काली ग्रुप की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देंगे। और हम सेवाइना को क्या कर देंगे, खो देंगे। क्यों? क्योंकि हमने सेवाइना कुछ तरीके से देखा नहीं, हमने सेवाइना कुछ तरीके से पढ़ा नहीं, और हमने क्योंकि सेवाइना के कुछ जो ईमेल से आते वही आते, हम उसका मेंटल इमोशनल जो पैथोलॉजी जो है वो हम लोग को कई बार होता है ना, तो कॉलेज में सीखने को मिलता है, और कई बार हम बुक्स ये हम लोग खुद ही नहीं पढ़ने जाते, ढूंढने नहीं जाते ये है क्या इसके साथ, राइट ना। तो ये जो काली ग्रुप के साथ में इसलिए सिमिलरिटी जा रहा है इसका, क्योंकि यहाँ पे जाके पोटेशियम जो है वो बहुत ज्यादा होता है इसके साथ। तो इन सिम्टम्स को हम लोग क्या करना है, याद रखना है इसको, इन सिम्टम्स को याद रखना है जो सेवाइना के जो सिम्टम्स, ठीक है। तो जहां पे ये सिम्टम देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे जाके आप स्पेशल की रूप लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, लाइफ जर फॉर्म ऑफ फैमिलीज, ऑप्टिमिस्टिक ड्यूटी अबाउट द फैमिलीज, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस, फियर ऑफ हाइट्स, कॉफी डिजायर है, कोल्ड ड्रिंक डिजायर है, लेमनेट डिजायर है, लेमन डिजायर है, मिल्क डिजायर है, जूसी थिंग डिजायर है, जूसी थिंग डिजायर है। जहाँ पे ये जो पूरा कंप्लीट जो पिक्चर देखने को मिलता है, और यहाँ पे जाके दूसरे जो हम लोग सिम्टम्स बोले हैं कि जहाँ पे जाके इसको क्वाइट वॉइस टू बी रिपोजेंट क्वालिटी सेवाइना, वहां पर मेडिसिन पड़ा हुआ है। देखे अगर पेशेंट्स को जो हम लोग बोले थे आपकी आवाज पूरी क्लियर नहीं है, किसी से बात नहीं करना, ठीक है। जहाँ पे पेशेंट्स हम लोग को जहाँ पे पेशेंट्स बोल रहे हैं कि बात नहीं करने का मन हो रहा है, हम जो ऑफिस से आते शाम को लेट जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रायनी या नक्श भूमिका डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, तभी हम सेवाइना तक नहीं जाते। जहाँ पे बात आती है कैसा, क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज इन टेक्निकलिटी, जब हम इस रूब्रिक को लेते हैं रिपोर्टरी के थ्रू, तब भी हम किसकी तरफ जाते हैं, नक्श भूमिका ब्रायनिया की तरफ, हम लोग सेवाइना की तरफ निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। और हम अपने मोस्ट ऑफ केसेस को मिस कर देते हैं जब मीनोरेजिया की कंडीशन देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, और इवन मेट्रोरेजिया की कंडीशन देखने को मिलता है। मीनोरेजिया की कंडीशन में ब्राइट रेड ब्लड देखने को मिलेगा, जबकि वहीं पर जाके मेट्रोरेजिया की कंडीशन में देखोगे तो इनके साथ में कैसा है कि मेनोरेजिया पेनलेस, मेट्रोरेजिया के साथ में देखोगे एक कंपनी बाय द पेन, जब भी इंटरमीडियंट ब्लीडिंग देखने को मिलेगा उसके साथ पेन देखने को मिलेगा, ये सेवाइना का मेट्रोरेजिया का स्ट्रॉन्ग फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे जाके देखोगे कि जहाँ पे मेट्रोरेजिया एक कंपनी विद द पेन, वहां पर तीन मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक सेवाइना, एक प्लेटिना, और तीसरा कौन सा है,
बाइवर्नम ऑकुलस, बाइवर्नम ऑकुलस, बाइवर्नम ऑकुलस को अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस जो कर रहे हैं तुम्हें मालूम होगा कि बहुत सारे लोग बाइवर्नम ऑकुलस को डिसमिनोरिया के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो किस तरीके का डिसमिनोरिया होता है इसमें, किस तरीके का डिसमिनोरिया होता है बाइवर्नम ऑकुलस में? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। साउंड नहीं आ रहा है। किस तरीके का डिसमोरिया होता है? मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस। बाइवर्नम जो मेडिसिन है बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वाइड यूज मेडिसिन करते हैं कई लोग जो होते हैं, जो मदर टिंचर्स में बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब प्रेफर करते हैं, तो वो बाइवर्नम ऑकुलस को बहुत ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो जहां पर जाके मेट्रोरिजिया के साथ में पेन देखने को मिलता है सेवेना के साथ में, जबकि मीनोरिजिया कैसा है इसका, पेनलेस है। ये हम लोग माइंड हमें क्लियर होना चाहिए, हम लोग एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पेशेंट को लेकर, क्योंकि हम पेशेंट के साथ क्या नहीं कर सकते, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। क्या जब उसको सेवेना खिला दें वो काम नहीं किया तो पेट्रोलियम दे दिया, पेट्रोलियम काम नहीं किया तो मशरूम का दे दिए, वो काम नहीं किया तो चलसी जैसा बात कर सकती थी। क्योंकि हमें इन लोगों के बीच में क्या नहीं है, आपस में डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ही मानना चाहिए। ये प्रॉब्लम हम लोग तब होता है, ऐसी प्रिस्क्राइबिंग तब भी होती है, लेकिन अगर हम क्लियर कट सिम्टोमेटोलॉजी हम लोग के पास में होगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ना तो आप फेल होंगे ना ही रिकरेंट आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ेगी। आप देंगे और 100% आप श्योर होंगे और पेशेंट को मिल पाएंगे, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, और साथ में जाके तुम देखोगे कि इसके साथ में सेवेना के साथ में जो सिम्टम्स है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। जहाँ पे मेट्रोरिजिया की कंडीशन है उसके साथ में क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होता है। बोलते जब जब इंटरमीडिएट ब्लीडिंग देखने को मिलता है सेक्सुअल डिजायर बढ़ने लगता है। अगर आप पेशेंट से पूछ पाओ कन्फर्म कर पाए इसे देखने को मिलेगा, अगर आप कन्फर्म कर पाते हैं तो वहां पर जाके देखोगे अगेन दो तीन मेडिसिन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जहाँ पे मेट्रोरिजिया ये कंपनीड विद द सेक्सुअल डिजायर। उसमें कौन से मेडिसिन आ जाता है अपना, सेवाइना, एम्ब्राग्रीसिया, कॉफिया और प्लेटिना जैसे मेडिसिन आ जाता है। ठीक है, या फिर जहाँ पे हम ऐसे केसेस को देख रहे हैं कि जो पेशेंट्स हैं कि जिनका आफ्टर लेबर और डिलीवरी उनका हुआ है कंप्लीट, और डिलीवरी होने के बाद में कैसा हुआ है उनको, मेट्रोलॉजिया की कंडीशन स्टार्ट हो गई। बोली जब डिलीवरी के होने तक कभी मुझे मतलब ब्लीडिंग नहीं होता था पीरियड के बीच में, रेगुलर पीरियड चल रहा था, लेकिन जब से डिलीवरी हुआ है ना तब से हमारा जो पीरियड ना पूरा गड़बड़ हो गया। या फिर कब से मीनोरिजिया की कंडीशन है, जब से उसके साथ में सेफ नहीं हुआ था किसी का सुना हो उसने, मतलब एलिमेंट फ्रॉम द बैड न्यूज, एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज। तो जहां पर मीनोरिजिया के साथ में आपको किसी भी तरीके का एलिमेंट देखने को मिल रहा है बैड न्यूज, इनके साथ में क्या देखने को मिल रहा है, डिलीवरी को लेके मिल रहा है, या फिर वो जनरली हम पढ़ते हैं कि अबॉर्शन हो गया है, इंजरीज हो गई है, उसके बाद में किसी को मेट्रोलॉजी की कंडीशन है, वो सब कुछ लगेगा इसमें। आपसे जो कार्सिनोमा हो गया या फिर साइटेन हम लोग जो कॉज देख रहे थे मेट्रोलॉजिया के जो लिखे हुए इसमें जाके, इनकी वजह से अगर मेट्रोलॉजिया हो रहा है, जहाँ पर प्रेगनेंसी है, इन्फेक्शन है, वेजिनल ट्रॉमा है, बर्थ कंट्रोल है, यूटेरिन फाइब्रॉइड्स है, तभी हम डेफिनेटली सोच सकते हैं इस चीज़ को, माइंड में आएगा। ठीक है, तो ये सेवाइना है, सेवाइना, सेवाइना को लेके अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम लोगों को, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, सर एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज में तो कैलगरी ऑफ कॉस भी सर बोल्ड में आती है, राइट ना, क्योंकि एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज में तो कैलगरी ऑफ कॉस भी ऊपर जाती है मेडिसिन, तो कैलगरी ऑफ कॉस क्यों नहीं, तो कैलगरी ऑफ कॉस क्यों नहीं, क्योंकि उसके साथ में कैसा नहीं है, ना तो जूसेस का डिजायर है, ना उसके साथ में स्ट्रॉन्ग लैमिनेट डिजायर है, और जो इस तरीके से ना हमें इस केस में डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है जो कि कैलगरी ऑफ कॉस के साथ में, तो एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज में काफी मेडिसिन तो लेकिन मेडिसिन नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके का सिम्टोमेटोलॉजी देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली हम सोच सकते हैं इसके लिए। कोई क्वेश्चन, सोना देवी आवाज नहीं आ रही है, या ईयरफोन लगाए हो क्या, लास्ट टाइम नहीं होता था तुम्हारे ईयरफोन से, अभी भी नहीं आई है,
आवाज नहीं आ रही है सर। सफाइना की कॉम्प्लीमेंट्री में तो थूजा और सल्फर होता है, तो उसमें क्या सल्फर के और थूजा के कैरेक्टर वो रहते हैं? हो सकते हैं जो इससे मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब थायमरॉइड की बात आती है जब और जब अपन लोग इस तरीके के पीआईडी की बात करते हैं हम लोग पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस की बात करते हैं तो जनरली इसको साइकोसिस से माना जाता है क्योंकि तो जितनी भी साइटेन तुम बुक्स पढ़ोगे और हम लोग जो पढ़ते थे जो पीआईडी है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है उसमें कैसा होता है सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज है एसटीडी में कई लोग डाल देते हैं जब एसटीडी में डाल देते हैं तो सेकंड यहाँ पर क्या देखने को मिलता है साइकोसिस में तो एक तरीके से साइकोसिस जो ग्रुप है उसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं हम लोगों के साथ ना पूजा जो हम लोग पढ़ते हैं तो काफ़ी पैथोलॉजी कैसा है आपस में मैच करते हैं लोगों को जहाँ पर सिस्ट को हम लोग देखें या फाइब्रोसिस देखें पीआईडी है वेजाइनल इन्फेक्शन है मैलिग्नेंसीज है साइकोटिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं साइकोटिक माइग्रेंस इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री स्कूल के साथ बना लेते हैं ठीक है भाई। सपोज एक पेशेंट सब लोग के पास में आता है ना उसको भी क्या चल रहा है बोले ऐसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेन ओरिजिया का ऐसा जो ब्लीडिंग का जो पीरियड था हमारा वो रेगुलर चल रहा था कोई इशू नहीं था लेकिन जब से हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं ग्वालियर तब से हमारा पीरियड गड़बड़ हो गया है कई स्टूडेंट्स होते हैं कई जो आते हैं कई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ में भी कोई पेशेंट्स आते हैं उनके साथ में चीज देखने को मिलता है उसे क्यों ग्वालियर आने से क्या क्या हो गया कुछ नहीं सर मेरा एक अफेयर चल रहा था तो मुझे अपने जो बॉयफ्रेंड है अपने जो गर्लफ्रेंड है उसको लेकर मेरा टेंशन बना रहता है वो कैसा होगा वो कैसे हो गए तो पापा मम्मी तो रहते हैं उनको लेकर ज़्यादा केयर करने रहता है उनका भी रहता है ना उनका भी रहता है सर लेकिन इससे ज्यादा जो हम लोग का रिलेशनशिप था तो बॉन्डिंग हम लोग की बहुत अच्छी थी तो हम तो इधर आ गए या आप कहीं भी चले गए उसके बाद में लेकिन हमारी चिंता किस चीज को लेकर हो रहा है अपने लव वंस को लेकर बहुत ज्यादा और जब से हम ये यहाँ पे आए तो सारा माइंड हमारा वहीं रहता है यार वो कैसा होगा उसको बुखार तो नहीं हुआ होगा उसको कोई टेंशन तो नहीं हो रही कोई स्ट्रेस तो नहीं हो रहा होगा उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी हम बैठे यहाँ रहते हैं और प्रॉब्लम क्या होता है वहाँ का माइंड में चलता रहता है हमारे जो गर्ल फ्रेंड है हमारा जो बॉय फ्रेंड है उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि जो टीचर्स हमें डांट देते हैं बहुत बुरी तरीके से फिर माइंड कहाँ एब्सेंट माइंडेड बैठे हो क्या पढ़ाया मैंने फिर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। और कई बार तो मैं कई बार अपने जो बॉयफ्रेंड है अपने जो गर्लफ्रेंड है उसको मैं कई बार कॉल करता हूँ या करती हूँ तो वो मुझसे रूडली बिहेवियर करता है यार कितना क्वेश्चन करते हो यार हर बार पूछोगे खाना खा लिया ठीक हो तो जो केयर हम दिखाने की कोशिश करते हैं ना उसमें भी हमें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है वहां से भी सुननी पड़ती है हमें ठीक है। और जब से हमारा जो मेंसेस जो गड़बड़ हुआ है जब पीरियड बहुत ज्यादा हो रहा है तो कभी भी चक्कर आ जाते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि हम सुबह उठे तो बेहोश हो जाते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि हम चलना मुश्किल होता है चलते तो बहुत पीरियड होता है हमारा जो मेंसेस जो चल रहा होता है जो ब्लड ब्लीडिंग होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। और हमारा जो पीरियड तो पूछा है कितने दिन चलता था ये सब कहानी शुरू होने के पहले तो पीरियड भी हमारा 8 to 9 days रहा है या फिर इसी केस में तुम देखो कि सपोज किसी फादर या मदर की किसी की डेथ हो गई और डेथ होने के 1-2 महीने बाद कैसा हो गया उसको मेंस्ट्रुअल जो इरेगुलरिटी से सफर कर रहा है उसका पीरियड कैसा हो गया इरेगुलर हो गया और वहां पर जाके अब उसके साथ में मेट्रोलोजिया मेनोरिजिया की कंडीशन डेवलप हो गया जब से उसके किसी लव वंस की डेथ हो गई तब से कहानी स्टार्ट हो गई उसकी है ना ठीक है। या फिर तुम देखोगे पेशेंट को उन्होंने बोला मेट्रोरेजिया इस तरीके से ब्लड होता है ऐसा आता है जैसे थक्का जमा हो बीच बीच में अभी पीरियड हमारा 5 को आना था 4-5 दिन चला बंद हो गया फिर वो 7 दिन बाद शुरू हुआ तो ऐसा है जैसे ब्लड की थक्की निकल रहा है इस तरीके से हमारा ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है। या फिर कोई पेशेंट है प्रेगनेंसी को लेकर उसको लग रहा है कोई को डिलीवरी के बाद में चीज देखने को मिल रहा है किसी को मेट्रोरेजिया प्रेगनेंसी के बीच में इंटरमिटेंट ब्लीडिंग देखने को मिल रही है है ना। या फिर कोई मैरिड फीमेल आती है हम लोगों के पास में और क्या बोल रही है कि जब फिजिकल रिलेशन में जाते हैं और फिजिकल रिलेशन में जाने के बाद में अगर जो हमारे हस्बैंड है वो विड्रॉल मेथड यूज करें मतलब वो सीमेंस को अंदर निकाले
वो एजुकेट बाहर ही हो जाते हैं। तो ये पता नहीं अनोखी सी चीज देखी है मैंने, तो पता चला मतलब कि उसके अगले दिन ही क्या हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ताकि पीरियड आने वाला नहीं होता है हमारा। तो जब भी हम रिलेशन में जाते हैं तो ये चीज हमें उससे टॉलरेट नहीं होती है। हम कहते रिलेशन अगर मैं जा रहे हैं तो कंप्लीट रिलेशन होना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि जो हस्बैंड होते हैं प्रेगनेंसी का डर रहता है, क्या बच्ची नहीं चाहिए, तो विड्रॉल कर देते हैं, विड्रॉल करते हैं तो अगले दिन हमारा पीरियड शुरू हो जाता है, फिर मुझे गायनिक के पास भागना पड़ता है। यार डॉक्टर साहब ये चल क्या रहा है, फिर उन्होंने कई मेडिसिन दिया है लेकिन ये सिम्टम हमारा ठीक नहीं हो पाया है अभी तक। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, लाइफ ही हमारी डेंजर में है। ये ना तो वो रिलेशन में कंप्लीट होता है और विद द प्रोटेक्शन उन लोग यूज नहीं करना चाहते हमारे हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखते हो कि वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स, अब डिफरेंट स्टेजेस, आपके पास में कौन सा पेशेंट क्या सिम्टम लेके आ रहा है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए हमें, हम लोगों को जो डॉक्टर्स है, मेडिसिन का हर एक व्यू पता होना चाहिए। हम एक माइंड में फिक्स नहीं कर सकते जो हम लोग स्टार्टिंग में बोले थे। अगर हम एक सिम्टम को फिक्स करके अपने माइंड में सेट कर लें, ये सिम्टम मिलने पे इस मेडिसिन को देंगे, और पेशेंट अदर सिम्टम लेके आ जाएगा, तो आपको ये तो मेडिसिन है ही नहीं, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं था, तुम्हारे सिलेबस ही में नहीं था, यहाँ पढ़ाई नहीं किया, तो तुम उसमें उस जगह प्रिस्क्राइब नहीं करोगे, उसकी जगह अदर मेडिसिन जाएगा, आपका केस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट ना, आपका पेशेंट खुद हो गया। जब पेशेंट्स कभी एक जैसा सिम्टोमेटोलॉजी लेके नहीं आता है, एक पेशेंट क्या लेके आ सकता है आपके साथ में ऐसा स्ट्रॉन्ग सिम्टम दे रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब, जब जब हमारे हस्बैंड ना विड्रॉल करते हैं, मेथड में जाते हैं, तो क्या होने लगता है, मेट्रोलॉजी आ जाता है, इंटरमीडियंट ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वो तो स्ट्रॉन्ग फीचर है। या फिर कोई पेशेंट क्या बोल रहा है, प्रेगनेंसी जब से हुआ है तब से ब्लीडिंग बीच में चल रहा है इंटरमीडिएट, तो एक पेशेंट आके बोल रहा है जो ब्लड है वो कैसा हो रहा है, कोगुलेटेड हो रहा है, वहीं पे जाके देख रहा है। कोई जो पेशेंट्स आके बोल रहे हैं कि जब से एक कॉमन सिम्टम भी हो जाता है, किसी को 1 महीने से ब्लीडिंग हो रहा हो, लगातार ब्लीडिंग हो रहा हो, तो डेफिनेटली वो फेंट होगा, है ना, उसके साथ में कैसा, उसे खड़े रहना मुश्किल होगा, उसके लिए चलना मुश्किल होगा, है ना। अगर उसका पीरियड 8 to 9 days चल रहा है और साथ में जाके हम लोग देख रहे हैं पेशेंट के साथ में, फिर उसको कैसा है, अपने जो लव वंस है, कह रहे हैं अपनी चिंता नहीं है, चिंता किसकी होती है, हमें करीबी, हमें अपने पति की, अपने बॉयफ्रेंड की, अपने गर्लफ्रेंड की, हमें अपनी मम्मी की, अपने पापा की, इनको हेल्थ को कुछ नहीं होना चाहिए, इनकी हेल्थ को लेकर हम सोचते हैं तो हमारी नींद गायब हो जाती है, फसल में रात रात भर नींद नहीं आती है, हम जागते रहते हैं इनको लेके, ऐसा नहीं कि बीमारी बढ़ जाए, पापा को कल ये हो जाए, मम्मी को ये हो जाए, घर पर जो हस्बैंड उनको ये हो जाए, इसको लेके नींद नहीं आती कई बार तुम्हें, है ना। और तुम लोगों ने पूछा आगे, अच्छा ड्रीम्स कैसे आता है भाई, ड्रीम्स आते किसी भी टाइप के आते ना, क्या ड्रीम्स कैसे आते, गलत हो गया हमसे, गलत क्या हो गया, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने जैसे पापा को पानी नहीं दे पाए, और हम पानी लेके आए, पापा सो गए थे, या हम खाना टाइम पे नहीं आ पाए, उन्हें खाना नहीं खिला पाए, मम्मी के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो हमें ऐसे लगता है हमने गलत किया, हमसे गलत हो गया कुछ भी, तो वो चीज़ हमें सपने में लगता है हमसे गलत हो गया कुछ भी, हम गलत कर रहे हैं, जब भी हम अपने लवर्स को केयर नहीं दे पाते, जब जब हमारे साथ में ऐसा होता है तब तो हम ऐसे ड्रीम से क्या कर रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं। और खाने में क्या अच्छा लगता है, कड़वी चीजें, कई बार होता है जो कड़वी चीज सब लोग थूक देते हैं, हम खा लेते हैं बहुत अच्छे से, मीट अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग थिंग्स अच्छी लगती है, प्यास नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हम ठंडा पानी पीते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है, गला नहीं सूख रहा है हमारा, मुंह नहीं सूखता है, लेकिन फिर भी हम ठंडा पानी पीते रहते हैं और हमें अच्छा लगता है उस चीज को लेकर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीचर्स सारे के सारे किस मेडिसिन के हैं, अगर हम लोगों ने मटेरियल मेडिकल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो, मैं कुछ अच्छा मतलब ये कोई लेन देन नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं केवल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना क्या है इसमें भी, क्योंकि फिक्स नहीं होना है, प्रिजुडाइज नहीं होना है, सर्टेन सिम्टम्स को अपने माइंड में सेट नहीं करना है, पेशेंट को देखने की कोशिश करना है, क्योंकि वो हर बार हर एक पेशेंट डिफरेंट सिम्टोमेटोलॉजी लेके आएगा, वो एक ही मेडिसिन की होगी, तो हमें सारे एंगल पता होना चाहिए मेडिसिन के हर जगह से, यही पेशेंट अगर ऐसे सिम्टम लेके आ रहा है वो भी इस मेडिसिन के सिम्टम है, अगर वो इन सिम्टम्स को लेके आ रहा है ये भी इस मेडिसिन के सिम्टम्स है, क्या है इस मेडिसिन का नाम, और यहाँ तो उसने बता ही दिया है, किसी की डेथ के बाद, और किसी की डेथ हो जाती है तो हम सबसे पहले क्या चिपका देते हैं, इग्नेशिया नेक्ट्रम्यू, है ना, मोस्ट ऑफ कंप्लेन जब आती है तो क्या आएगा, इसी देखने को मिलेगा, हम लोग नेक्ट्रम्यू की तरफ जाएंगे, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ है, हाँ इसके डेथ हो गया था फादर का मदर का जिसका भी, उसके बाद कंप्लेन स्टार्ट हुआ, लेकिन सारे फीचर्स किसके हैं,
कौन सी मेडिसिन के हैं? शोभना सही कह रही है, कॉकुलस, सारे सिम्टम ऑफ कॉकुलस, कॉकुलस याद रखना। ये एलमेंट होम ग्रीप में मत चले जाना, एलमेंट होम ग्रीप में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तो यहाँ पे जाके देखोगे मेंसिस जो है मेट्रोरेजिया है प्रोटेक्टेड, मेनोरेजिया में देखोगे मेंसिस कोपियस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ग्रीप, एलमेंट फ्रॉम ग्रीप जहाँ पे चीजें देखने को मिलता है, एलमेंट फ्रॉम केयर्स वरीज लव टू एट ओवर इट, है ना, ये सारी चीजें कॉकुलस के स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है। फियर ऑफ हेल्थ लव बर्न्स अबाउट हेल्थ ऑफ जिसका है पेशेंट के साथ में, वॉकिंग स्टैंडिंग है ग्रीप को लेके है, और पॉबिलिटी ब्लड होता है, इमोशनल एक्साइटमेंट एक्साइटिंग टाइम्स को डिलीवरी के बाद में, मेनोपॉज के टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम पे मेट्रोरेजिया की कंडीशन देखने को मिलती है, और मेट्रोरेजिया कोइसस इंटरप्शंस फॉर्म, इस रूब्रिक को याद रखना पॉपुलस, है ना, जो अपन बोले कि जो पेशेंट्स बोले ये विड्रॉल जब भी हमारे हस्बैंड करते हैं मेथड को लेते हैं फिजिकल रिलेशन में, तो मेट्रोरेजिया की कंडीशन में स्टार्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, ऐसा कोइसस इंटरप्शन फॉर्म इस रूब्रिक को यूज किया जाएगा वहाँ पे जाके, और पॉपुलस आपका मेडिसिन स्ट्रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीचर्स है इसका पॉपुलस की, तो पॉपुलस का शॉर्ट ऑफ जो इमेज है इसका थेरापेटिकली क्लासिकली वो ये केवल तो चाहे मेट्रोरेजिया हो मेनोरेजिया हो, जब जब भी सिम्टम मिलेंगे आपको एनी टाइप ऑफ डिसीज एनी नेम ऑफ डिसीज आप ठीक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ना मेट्रोरेजिया के लिए ही जाए और मेनोरेजिया के लिए ही जाए इसके साथ। यहाँ पे कैंसर भी होगा तो आपका पेशेंट इंप्रूव होगा 150% अगर ऐसे सिम्टम देखने को मिले। तो एलिमेंट फ्रॉम ग्रीप में केवल नेक्टोम्यूट नहीं है, इग्निशिया नहीं है, एसिड फॉस नहीं है, या कई मेडिसिन होती है, कई मेडिसिन है जिसको हम कई बार यूज नहीं कर पाते, कई बार हम लोग यूज नहीं कर पाते, जय सर के पास ही वो केस आया हुआ था, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, किसकी डेथ हुई थी सर, जिसको जेल्समियम एलिमेंट फ्रॉम ग्रीक जेल्समियम, और जेल्समियम से शानदार रिकवरी देखने को मिला था। तो लेकिन हम लोग का माइंड के प्लेसेस पे कैसा हो जाता है, ग्रीप को लेके हम लोग फिक्स हो जाते हैं, अरे ग्रीप है तो इग्निशन या फिर अदर्स, तो ग्रीप का जो हम लोग के साथ माइंड में मेडिसिन को सेट कर दिया गया है, हम उन्हीं मेडिसिन को लेके माइंड चलता रहता है, सोचते रहते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज थोड़ा सा गलत है और थोड़ा सा फिक्स है उसको रिमूव करना चाहिए, क्यों, क्योंकि किस टीकिंग का पहला पार्ट क्या है, किसी भी फिजिशियन का माइंड कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सीबल, फ्लेक्सीबल एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रिजिड होंगे तो हम प्रिजुडाइज होंगे, क्योंकि प्रिजुडाइजेशन भी क्या है, रिजिडिटी का ही एक रूप है, हम अपने केस को खो देंगे, हम अपने पेशेंट को खो देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन जब हम इन सिम्टम के साथ में हम लोग देखें किसी मेनोरेजिया मैक्रोरेजिया या अदर किसी पेशेंट्स को, तो डेफिनेटली आपके साथ में कभी गलती नहीं होगी, जब जाके कॉकुलस का एक स्ट्रॉन्ग ग्रीम कौन सा है, और कौन सा स्ट्रॉन्ग ग्रीम है कॉकुलस का, एक तो ठीक है जो हम लोग कॉकुलस को लेके हम लोग के माइंड में क्या आता है, कंप्लेन किससे आती है, जब पेशेंट की नींद पूरी नहीं होती है ना, फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, जहां पे नाइट्रिक एसिड भी पड़ते हैं हम लोग इसको भी पढ़ते हैं, इसके एक और क्या स्ट्रॉन्ग कॉकुलस का ड्रीम है जो कॉकुलस के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्टिगो, वर्टिगो टीथ फॉलिंग ऑफ, उसको लगता है कि उसके दांत गिर रहे हैं, सपने में देखता है उसके दांत गिर रहे हैं, टीथ फॉलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग सिम्टम है इसका, स्ट्रॉन्ग सिम्टम है इसका, पॉपुलस क्लियर हो रहा है कुछ कि नहीं हो रहा है, बहुत कठिन कहानी है इसकी, ये तो सर के कहने पे डाल दिया है और इसमें हम लोग फंस गए, फिर बड़ा ग्रुप है मीनोरिजिया मेट्रोरिजिया और दुनिया भर के गायनी ऑप्शन आते हैं, अपन लोग का मेडिसिन सही था, क्लासेस चलती है, तो लंबी कहानी है इसमें, और लेकिन इसमें स्टडी अच्छा है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, अब बोर्ड रंग भी सीखेंगे हम लोग जिनके बारे में शायद ही हम लोग को सुनने को मिलता है ना, जैसे हम लोग बात करें अगर एक मेडिसिन की हम लोग बात करें, सपोज एक पेशेंट आ रहा है उसके साथ में, उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है,
रुक ही नहीं रही थी, क्योंकि अभी जितने भी पेशेंट आएंगे सबकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, क्यों? क्योंकि टॉपिक क्या है अपना, न्यूरोलॉजी है ना, उसको दूसरा मेट्रोलॉजी, तो जितने भी पेशेंट आएंगे सब कैसे होंगे, इंटरमीडिएट ब्लीडिंग चल रही है और ब्लीडिंग हो रही है, ये तो माइंड में रख ही लेना है। मोस्ट ऑफ जो ब्लीडिंग का कलर कैसा है ब्लड का, ब्राइट रेड और ब्लैक दोनों हो सकते हैं, ये माइंड में हमेशा रखना, कभी माइंड में फिक्स मत करना। मैंने कई कई बार बहुत बार ऐसी मेडिसिन दी है पेशेंट को जहाँ पे डार्क ब्लैक था, मैक्सिमम का प्रिस्क्राइब किया और पेशेंट बेटर है, क्योंकि तो डार्क ब्लैक को लेकर नहीं दिया था, मैक्सिमम का पेशेंट को लेकर दिया था। अभी एक जो फीमेल आई थी, उसको लड़की थी 18 ईयर्स है, 6 महीने से उसका पीरियड रुका ही नहीं, जब जब वो हार्मोनल जब ज्यादा हो जाता है 1.5 महीने रुकता नहीं है, वो टेबलेट लेके आती है गायनी वाले से, गायनी वाले उसको रोक देते हैं, 1.5-2 महीने फिर स्टार्ट हो जाता है, कोर्स कर लेती है, और जब जब होता है तो 2-2 महीने पीरियड नहीं रुकता उसका, उसका वजन 6-8 किलो कम हो गया था, ब्लैक ब्लैक उसका ब्लैक था, क्लॉटेड ब्लैक उसका वो हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, मैक्सिमम रिकवर हो गया विद 15 डेज, और अभी कंटिन्यूस चल रहा है पेशेंट, वेट भी इंक्रीज हुआ है उसके। तो ऐसी चीजों को जो डाउट प्रोड्यूस करे माइंड में उनको हटाना चाहिए। हर एक मेडिसिन के साथ में दोनों चीजें, दोनों ही एंड्स मिलते देखते को देखते आप, दोनों ही एंड देखने को मिलते हैं, है ना, जैसे हम लोग मेडोनियम पढ़ते हैं, तो अगर ये क्रूअल है तो एक सॉफ्ट भी है, सल्फर के हम जो पढ़ते हैं, अगर एक लेजी है तो एक एक्टिव भी है, एक फिलोसफिकल है तो एक साइंटिस्ट भी है, व्यूज एक ही मेडिसिन के साथ में देखने को मिलता है ना। यहाँ पे जाके पेशेंट क्या कह रहे हैं, उसकी मम्मी कह रही पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, जब से इसका ये पीरियड ना गड़बड़ हुआ है, ये लेटी रहती है, उठती नहीं है, बात नहीं करती किसी से, खाना दे दो तो खा लेती है, नहीं हो तो सुबह से शाम हो जाएगी, लड़की मांगती नहीं कुछ भी, कि मम्मी चाय दे दो, मम्मी पानी दे दो, मम्मी भूख लगी है, कुछ नहीं मांगती, कुछ चाहिए नहीं, बस बिस्तर पे लेटी रहेगी लेटी रहेगी, बोलती डॉक्टर को दिखा दो, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक होंगे। और जब जब इसके साथ में होता है ऐसे इसका बिहेव हो जाता है, जितनी बार भी बीमार पड़ती है वैसे इसका ऐसे एटीट्यूड रहता है, वैसे भी ज्यादा बात नहीं करती है, और जब बीमार होने के बाद तो बात ही नहीं करती है, लेटी रहती है, और जब ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो हमेशा बस एक ही बात आता है माइंड में, मम्मी ऐसा तो नहीं कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया होगा अंदर, फिर कोई ट्यूमर व्यूमर तो नहीं हुई होगी, तो ब्लीडिंग क्यों होती है इतनी, और बस रात दिन उसी चीज को सोचती रहे, उसी में पड़ी रहती है, कुछ नहीं करना, ना खाने की सुध है ना भूख है इसको, बस लेटी रहती है। ठीक है, यहाँ पे जाके पेशेंट हम लोग इस तरीके से पेशेंट देखने को मिल रहा है, बोलते कई बार तो जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है और डॉक्टर दवाई दे देता है, मेडिसिन दे दिया गायनी वाले ने, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक किसी ने भी मेडिसिन दे दिया और उसको आराम नहीं हुआ, तो ये क्या करती है, इसको खाने को दो तो गुस्से में थाली उठा के अपने सिर में मारने लगती है, जी लो नहीं खाना खाना, मैं तो ब्लीडिंग तो रुक नहीं रही है तो मैं खाने की पड़ी हुई है, कई बार दीवार से अपना सिर मार देती है, अब दीवार उठा के तो मारेगी नहीं, इसलिए थाली को क्या करती है, प्लेट को अपने सिर से मारने लगती है। ठीक है, वन ऑफ पेशेंट्स जिसके साथ में देखने को मिल रहा है ना, ये चीज कब हो सकता है पेशेंट के साथ में ब्लीडिंग को लेके, कि जहां पर जाके पेशेंट से बोले कि अगर लेटी रहती है तो फिर भी थोड़ा बेटर फील करती है, जरा सा एग्जर्शन कर लिया, वजन उठा लिया, नहीं हो पा रहे, तो ब्लड होता है स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है और थिन पतला पतला ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है इसको, है ना, पेशेंट के साथ में चीज देखने को मिल रहा है। और इसको कई बार बोला जाता है कि हमेशा गर्म चीज चाय पी देते हैं, तो चाय पीने से इसका जो पीरियड है जो फ्लो होता है वो और बढ़ जाता है, चाहे उसको टॉयलेट ही नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जाके वही कर बात आती है आपके साथ में, अगर मीनोरिजिया लेके आ रहे हैं पेशेंट, तो मीनोरिजिया के कारण एक अबॉर्शन हो सकता है, डिलीवरी हो सकता है, इंजरीज हो सकती है, मेट्रोरिजिया अबॉर्शन हो सकता है, पेनलेस है, एक्जर्शन हो सकता है, डिलीवरी के बाद ये कंडीशन देखने को मिल, ये हर एक मेडिसिन के साथ में ये देखने को मिल सकता है कॉमन, और कॉमन एक हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है तब भी मेट्रोलॉजी की कंडीशन होती है, कभी ये मान के मत चल रहा कि मेनोरेजिया हो रहा है तो उसको पैथोलॉजी होगी, कोई भी कई ऐसे केसेस देखे, उनको कोई फाइब्रॉइड नहीं था, कोई ओवेरियन डिसीज नहीं थी, कोई पीसीओडी नहीं थी, लेकिन उनका पीरियड एसाइक्लिक था, ब्लीडिंग उनके साथ में चल रहा था, डिसीज ट्रीटमेंट किसी चीज का ले रहे थे, मेडिसिन किसी चीज का खा रहे थे, और स्टार्ट क्या हो गया, कोई नहीं, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, मेडिकेशन ले रहे थे पथरी का, मेडिकेशन ले रहे थे जीआईडी कंप्लेन का, वो लेते ही क्या हुआ, जीआईडी कंप्लेन तो बेटर हो गई, लेकिन यहाँ पे जिसका जो पीरियड था जो साइकिल थी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कैसी हो गई इसकी, डिस्टर्ब हो गई, राइट ना, तो पेशेंट सर्टेन वे में सर्टेन कॉज के साथ में हमारे पास में आ सकता है। ठीक
ठीक है, तो कॉज को लेके भी हम लोगों को माइंड में क्या नहीं होना है, फिक्स नहीं होना उस चीज को, है ना। तो यहाँ पे जाके अगर पेशेंट हमें इस तरीके के सिम्टम दे रहा है और पूछा और क्या चीज को लेके दिक्कत हो रहा है पेशेंट के साथ में, कई बार पेशेंट बोलता है कि हाँ मरूड़ जैसा हो रहा है, ब्राइट रेड ब्लड हमें एकदम से आ रहा है ना, या फिर ब्लैक भी हो सकता है, ब्राइट रेड अगर ब्लड आ रहा है पेशेंट के साथ में, और जो जब भी पीरियड आता है तो वो इरेगुलरिटी जो होती है साथ में डिस्मेनोरिया की कंडीशन देखने को मिलता है, और तो पेशेंट एक ऐसा भी देखने को मिल सकता है बोले कि डॉक्टर साहब हमने कई गायनेकोलॉजिस्ट को देखा है वो एक ही चीज बोलते, तो पीरियड इतना ज्यादा होता है ना इसलिए मां नहीं बन पा रहे हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे, क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग ही 10 दिन चलती है आपकी, तो जब तक ये कंट्रोल नहीं होगी तो आप प्रेगनेंट ही नहीं हो पाओगे दोस्तों, 7 साल हो गए शादी को, 10 साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पीरियड ही कंट्रोल नहीं हुआ। डॉक्टर बोले अगर ऐसी हैवी ब्लीडिंग होती रहेगी आपको इस मेंस्ट्रुअल पीरियड पे या हर बार जब भी महीने पे, तो आप कभी भी मां नहीं बन पाएंगे, तो ना तो प्रेगनेंसी आ पा रही है ना ही ब्लीडिंग रुक रही है, दोनों चीजों में जान खा रखी है। राइट ना, किस मेडिसिन के सिम्टम है, किस मेडिसिन के सिम्टम है बोलो दिनकर बाबू, सोचो कितना मिस करते हैं हम कई बार मेडिसिन को, बोलिए सर, ये लग रहा है कैलकिरिया का, खेलती रेखा प्रकाश जी, कोई मेडिसिन है माइंड में? नो सर। सोनल जी आवाज आ रही है? दिनकर बाबू आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आवाज नहीं आ रही, कौन सी कह रहे हो? स्ट्रामोनियम, 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 पहली मेडिसिन तो माइंड में क्या नहीं थी, ब्राइनिया, क्योंकि आंसर्स में पहले तो ब्राइनिया होना चाहिए था, क्यों, शांत लेटी है, बैठी है, बात नहीं कर रही, देर खा लेती, नहीं तो नहीं खाती है, या तो गलत में भी सही होना चाहिए, गलत आंसर्स में भी सही होना, झलक दिखनी चाहिए, है ना, क्योंकि तो ये जो सिम्टम है किसके स्ट्रॉन्ग है, ब्राइनिया के, तो पहला आंसर तो क्या होना चाहिए हमारा, ब्राइनिया, जहाँ पेशेंट कैसा है, मोशन एग्जर्शन से एग्रावेशन है, पेशेंट को लेटे रहने की इच्छा है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा, किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन बात कहाँ पे अलग हो जाएगी, वो थाली उठा के अपने सिर में मार लेते हैं, जब गुस्सा आता है तो हाइपोकॉन्ड्रिक नेचर डिजीज को लेकर सोचते रहते हैं, राइट ना, यहाँ से थोड़ा मेडिसिन के ड्रिफ्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे ब्राइनिया नहीं है, मेडिसिन यहाँ से आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ के चले होंगे, ब्राइनिया आ रहा था लेकिन यहाँ ब्राइनिया कट गया, अब कौन सी जो किस मेडिसिन में ऐसे सिम्टम है जो सेम ब्राइनिया में है और जिसके साथ में कैसा है, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ knocking his head against the things, against the wall, millipolium, millipolium कब भी अपन लोग इस लेवल पे जाके नहीं सोचेंगे, हम millipolium दोगे तो सब blindly देंगे, 90% लोग blindly prescriptions करते हैं millipolium, वो देखेंगे bright red हो रहा है, blood नहीं रुक रहा है, bleeding नहीं रुक रहा है, millipolium चिपका दो, खिला दो millipolium, जबकि millipolium जो medicine के जो symptoms हैं, बहुत कुछ कैसे हैं, ब्राइनिया जैसे, तो कई बार जब ब्राइनिया काम नहीं कर रही हो और आपको लग रहा है कि ब्राइनिया है, ब्राइनिया है, और पेशेंट्स को कुछ इंजरी हुआ हो और पेशेंट के साथ में अगर मेंसुरल या तुम्हारा जो मेट्रोरिजिया की कंडीशंस के अलावा कुछ भी चल रहा है तो हम डेफिनेटली जा सकते हैं, और दूसरा कौन सा इसमें जो ब्राइनिया के अगेंस्ट जा रहा है सिम्टम्स, बोलो दिनकर बाबू, एग्रावेशन है इसमें चाय से, बॉर्न ड्रिंक से, जबकि ब्राइनिया में बॉम से आराम होता है, उसके मेंटल तो ब्रेनिया के मिल रहे हैं लेकिन फिजिकल जो एक सिम्टम है वो मैच नहीं खा रहा है साथ में, वो किससे खा रहा है, मिलीपोलियम से, मेडिसिन को पढ़ो तो बाकी मजा आता है, अगर हम लोग को थोड़ा सा बहुत दिमाग लगा के चले हम लोग तो ओके इजी होते हैं, लेकिन जब हमें सिम्टम्स मालूम नहीं होते हैं तो हम लोग गलतियां करना शुरू कर देते हैं।
यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो फिजिशियन है जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो मतलब बहुत सारे लोग सही भी देंगे एक्चुअली, ऐसा नहीं कि सभी गलत देने वाले हैं, मतलब जो कैच कर पा रहे होंगे यार यहाँ पर तक ब्रैनी की पिक्चर है, देन यहाँ से स्टार्ट ये चीज हो रहा है, तो आप इजिली मिलीफोलियम पे पहुंच जाओगे। बट मिलीफोलियम को 70 to 80% होम्योपैथ केवल किस चीज के लिए देते हैं? ब्लीडिंग रोकने के लिए, ब्लाइंडली। ये काम नहीं किया तो मिलीफोलियम, मिलीफोलियम नहीं तो हेमामिलिस, नहीं तो थैलेसीमिया फैक्टोरिस, नहीं तो अदर ब्लाइंड। लेकिन यहाँ पे हमें ब्लाइंड जाने की कोशिश नहीं करना, ब्लाइंड नहीं जाना है, हमें मिलीफोलियम के सिम्टम्स मालूम होना चाहिए। क्या ask nothing from, nothing for, desire nothing desire, कुछ नहीं चाहिए, शांत पड़े हुए पेशेंट। और कई बार तो मैं एक जो सिम्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका, इसमें भी हम लोग गलतियां कर जाते हैं। अगर पेशेंट क्या बोलता है आके, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया है, जब से पीरियड इरेगुलर हुआ है ना, इसके साथ साथ दिमाग हमारे यहाँ रहता है, कई बार तो हम गैस पे खाना छोड़ देते हैं, कई बार हमें माइंड में लगा था गैस बंद किया कि नहीं, केवल तो पंखा तो नहीं खुला रह गया कहीं हमारा, अरे हमने ताला लगाया कि नहीं लगाया, अरे वो मैंने किताब रखी कि नहीं रखी, किताब होगी, गैस बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है, लेकिन हमारे माइंड में क्या चलता है, अरे किया होगा कि नहीं किया होगा, ऐसा तो नहीं खुला रह गया होगा, ऐसा तो नहीं कोई चीज रह गई है, अरे हमने सामान सब रख लिया होगा जब जा रहे हैं, लेकिन मन में क्या लग रहा था, अरे चेक कर ले दोबारा से, नहीं चार्जर तो नहीं छूट गया, नहीं ये चीज तो नहीं छूट गई। अगर पेशेंट इस सिम्टम को और ऐड कर देगा तो हमारा माइंड कहाँ पर चला जाएगा, हम क्या बोलेंगे, कॉस्टिकम। क्या इंटरप्रेटेटिव मेडिसिन क्या दे रखी है, कॉस्टिकम, क्या फॉरगेटिंग समथिंग फील कॉन्स्टेंटली, है उसको लगातार लगता रहता है वो कुछ भूल रहे, और हम लोग इजिली किसकी तरफ चले जाएंगे, कॉस्टिकम की तरह, क्योंकि ये भी कैसा है, मेंटल सिम्टम है, स्ट्राइकिंग सिम्टम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉस्टिकम नहीं है, ये सिम्टम साथ में देखोगे तो वन मार्क में मेडिसिन साथ में कौन सी पड़ी हुई है, मिलीफोलियम। तो मिलीफोलियम पे हम लोग बहुत कम जाएंगे, क्यों, क्योंकि तो मिलीफोलियम के साथ में हम लोगों ने सिम्टम को स्टडी नहीं किया है, स्टडी नहीं किया होगा तो हम कोई प्रिस्क्राइबिंग में लेके आएंगे नहीं, क्योंकि तो हम प्रिस्क्राइबिंग में केवल वही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं जो हमारे माइंड में और जो हमें याद रहते हैं, राइट। ठीक है, या फिर किसी को इंजुरी के बाद में, किसी को डिलीवरी के बाद में, ये तो क्लियर है, ये सारी जगह पर कारण नोट कर लेना, कॉज तो यही रहेंगे, जब जब ब्लीडिंग्स होगा पैथोलॉजिकल तो कॉज देखेंगे हम, पैथोफिजियोलॉजी, तो ऑलवेज हमें हर एक मेडिसिन के साथ में जब मिनोरेजिया मेट्रोलॉजिया का होगा तो ऑलमोस्ट यही देखने को मिलेगा। तो आप लोग बार बार इस चीज को लेकर डिस्कस करके कुछ नहीं है, और बार बार ये पेशेंट का कोई मतलब भी नहीं इनका, इंजुरी ले सकते हो एलमेंट इंजुरी आप, तो वहां पर मिलीफोलियम आता है, वहां पर आता है मिलीफोलियम को स्ट्रॉन्ग मेडिसिन में शामिल किया जाता है। और दूसरा इसका एक डिजायर चाहो तो नोट कर लेना, मस्टर्ड डिजायर, मस्टर्ड सरसों खाने की इच्छा होती है, और कॉफी से ग्रेविशन देखने को मिलता है। और एक राइटर बहुत अच्छा लिखे हैं, ये सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, तो राइटर ने भी थोड़ा बहुत गड़बड़ किए हैं, उन्होंने लिख दिया सबसे अच्छी मेडिसिन है किस चीज के लिए, अरेस्ट फॉर पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज को रोकने के लिए बहुत शानदार मेडिसिन में से एक है मिलीफोलियम। लोगों ने सिम्टम छोड़ दिए, पोस्टमार्टम पकड़ लिया और एक बहुत अच्छी मेडिसिन पकड़ ली, और वो इसी को प्रिस्क्राइबिंग में लगी पड़ेगी, उसे हट ही नहीं पाए, क्या सिम्टम मिलेंगे तो आएगा ना यार, नहीं तो पीपीएस तो पल्सिटला से भी ठीक हो जाता है, और पीपीएस तो नक्शबंका से भी हो जाएगा, और 1000 मेडिसिन जो दे रखी है सिम्टम होंगे तो वो किसी से भी ठीक हो जाएगा, अगर हम नहीं तो क्या होगा, मदर टिंचर में हम प्रूविंग करते जाएंगे, देते जाएंगे 10 दिन 15 दिन, मतलब आपको जो 15 दिन में मिलीफोलियम आपका काम करेगा, राइट रेमेडी होगी टोटल, अभी तो 1 डेज रिजल्ट देगी और आपका पेशेंट क्या हो जाएगा, बेटर। तो ये अंतर होता है कि ब्लाइंडली एक मेडिसिन से काम कराने में और एक वाइटल फोर्स से काम कराने में, वाइटल फोर्स काम करेगा तो वो एक दिन में ठीक हो जाएगा, और मेडिसिन के थ्रू काम कराओगे तो उसे क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और अननेसेसरी सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। जो पॉलीफार्मेसी करते हैं, जो मल्टी मेडिसिन देते हैं, जो प्रोडक्ट देते हैं, तो उनके साथ में देखना पेशेंट के साथ में अननेसेसरी मेडिसिन जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो अननेसेसरी जो मेडिसिन जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम क्या नाम लेते हैं, कौन से सिम्टम है, कौन से अपोर्शन में लिखे गए,
बोलो भाई, तुम लोग तो पीएससी निकाल चुके हो, एमडी निकाल चुके हो, सब कर चुके हो, एकदम तैयार होने चाहिए। कंपटीशन लॉस करके बैठे सब। बोलो फास्ट फास्ट बोलो, क्या सिम्टम्स को नाम देते हैं? क्योंकि तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अरे क्या होता है पॉलीफार्मेसी, हमने केस ठीक कर दिए, हमने ठीक कर दिया, बाकी ठीक कर दिए, लेकिन जो मेडिसिन जो सिम्टम डिसऑर्डर के गए हैं, जो ऑर्गन में लिखा है, वो ऑर्गन में कोई चीज गलत नहीं लिखी है, ऑलवेज होता है। टैबलेट सिम्टम 248 एफोरिज्म, 248 कौन से सचिन सिम्टम्स, सचिन सचिन सिम्टम्स जो कैसे होते हैं, जो हम मेडिसिन देते हैं, जो अननेसेसरी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब में लेके आते हैं, जिनके सिम्टम्स नहीं है और हम देते जा रहे हैं, तो उन मेडिसिन के सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, राइट ना। तो हम लोगों ने तीन मेडिसिन देखा है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन तो कोई क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं समझ आ रहा तब भी बोल सकते हो, क्योंकि दो चार लोग तो नए अपने वाले हैं, दो तीन लोग नए हैं। प्रकाश जी कुछ क्लियर हो रहा है? हो रहा है सर, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है? ठीक जी सर, है, आएगा आएगा। मिलीपोलियम, मिलीपोलियम के सिम्टम्स, स्टैगिंग जो सिम्टम्स हम लोग माइंड में होना चाहिए, हम इसको सीधे सीधे भी लिखवा सकते हैं, तो लिखवाने के लिए अपन लोग नहीं बैठे हैं, है ना, वो तो सब जगह से आप लिख ही सकते हो, समझने के लिए बैठे हुए हम लोग यहाँ पर, कुछ समझे उस चीज को लेकर। तो यहाँ पे जो पेशेंट्स को बिरयानी के साथ में जब जब लगे, और आप ऐसे केसेस देख रहे हो, आपको कॉस्टिकम जहाँ पे समथिंग इज फॉरगेटिंग पे आ रहा है, कॉस्टिकम आ रहा है, तो हम लोग के साथ मिली पुलियम भी एक ड्रग माइंड में चलना ही चाहिए, हमेशा चलना ही चाहिए। ठीक है, या फिर सपोज दैट हम लोग देखें, अगर नेक्स्ट उसको देखते हैं, मेडिसिन को देखें, कि इस मेडिसिन को भी तो बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है, सब लोग उसको प्रिस्क्राइबिंग में लेके आते हैं, जहाँ पे चाहे वो एंटीपार्टम हेमरेज हो, पोस्टपार्टम हेमरेज हो, एट अ क्लाइमेक्सिस में जो मेरे टाइम मेरोपॉज के टाइम पे अगर किसको ब्लीडिंग हो रहा है, फाइब्रॉइड से हो रहा है, ट्यूमर से हो रहा है, सर्टेन अबॉर्शन से हो रहा है, ब्राइट रेड ब्लड देखने को मिल रहा है ना, या फिर बोले कि हम यहाँ से दिल्ली तक चले जाते हैं तो पीरियड स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट्स होते हैं, बोलते हैं 500 किलोमीटर जर्नी कर लिया हमने, 200 किलोमीटर जर्नी कर लिया, 400 किलोमीटर जर्नी कर लिया, तो पीरियड स्टार्ट हो जाता है। एक वन ऑफ रीजन जहाँ पे हम लोग पेशेंट कोई आके इस तरीके से बता रहे हैं, कॉज दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जाके तो हम लोग देखें पेशेंट के साथ में, तो कैसा होता है कि जो पेशेंट है, कि जब तक तो उसको ब्लीडिंग हो रहा होता है, जब तक तो वो मेंसेस मेनोरेजिया इधर मेट्रोरेजिया की कंडीशन में जा रहा होता है, तब तक पेशेंट के साथ में कैसा होता है, एक फेंटनेस और डिजीनेस होने लगता है। अगर एक लंबे समय तक ब्लीडिंग चल गया, या एक इंटरमीडिएट ब्लीडिंग भी जस्ट 5 से 6 दिनों लगा, तो पेशेंट कहता है चक्कर से आने लगते हैं, ये डिजीनेस सा फील होने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि फेंट हो जाते हैं उस प्लेस पे जाके, है ना। और कई पेशेंट्स होते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है कि जब से ये मेंसेस डिस्टरबेंस हुआ है, या मेंसेस मेंसेस को डिस्टर्ब हुआ है, तब से डायरिया हमारा बंद नहीं हुआ है। कई बार होता है कि इन कंप्लेन के साथ में डायरिया चलता रहता है, 10 लक नहीं लगते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ 7 7 भी हो गए, कई बार होता है एक के बाद एक आ जाता है, लेकिन इसके आसपास हमने क्या देखा है, डायरिया तो आता है, इसी हम लोग के नोटिस में आएगी, है ना। ठीक है, और पेशेंट से देखेंगे जहाँ पे कई बार जो पेशेंट से बोलता है कि हमारा जो उनके साथ में कैसा होता है, एक बेयरिंग डाउन जो सेंसेशन होता है, कि जो देखने को मिलता है, जो पेशेंट के साथ में देखने को मिल रहा है, ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है, और जब से 3 4 साल से, या जब से प्रॉब्लम हो रहा है मेनोरेजिया मेटोरेजिया का, तो आईसाइट वीक होती जा रही है, ऐसा लगता है कि हीमोग्लोबिन भी कई बार चेक कराया तो हीमोग्लोबिन तो सही आ जाता है, लेकिन ये जब पीरियड लंबा चला जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि ग्रोसरी थोड़ा सा घट गई है, ऐसे थोड़ा सा वीक हो गया हमारा, है ना। और पर्सन के साथ में कैसा है, जरा से आवाज सुन लेते ना, पल्पिटेशन होने लगता है, आवाज हमें टॉलरेट नहीं होती बहुत ज्यादा, इसलिए घर में बच्चे शोर करते ना, तो ऐसा लगता है बस लेट जाओ, चुप, डांट देते, चुप रहो, लेट ही ना, आराम कर देना, ठीक है। और वहीं पे जाके पेशेंट्स को देखने की कोशिश करोगे, जो पेशेंट किस तरीके से सिम्टम देखने को मिल रहा है, कई बार एक जो पेशेंट जो सिम्टम्स लेके आता है, वो आता है कैसा, जो उसको ऐसा लगता है कि जो हिप में
और बैक पे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, हम उसको पकड़े रहते हैं, बंधे रहे, ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्ट टूट गए, तो हम कई बार हाथ अपने पीछे ऐसे रखे रहते हैं, हमारा हिप टूट जाएगा, बैक हमारी टूट जाएगी, तो हम अपने हाथों को ऐसे रखते रहते हैं, हर कोई मजाक उड़ाता रहता है, इधर वो हाथ पीछे रखे चलते, हाथ पीछे रखे चलते, तब भी नहीं, हमारे हाथ ऑलवेज पीछे रहते हैं, हमें अंदर से लगता है कि जरा से टूटने वाले हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे हाथ हाथ कहाँ पहुंच जाते, पीछे पहुंच जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जब से ब्लीडिंग होता है उसके साथ में कैसा होता है, शांत नहीं लेट पाते हैं, उसकी जो अटेंडर ही बता रहे हैं, जब जब इसको तो जो पीरियड है वो इरेगुलर होता है, पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है, अभी अपना पेशेंट कैसा था, लेटा पड़ा था, ये कैसा है, रेस्टलेस, रुकता ही नहीं एक जगह पे, इधर से इधर, इधर से इधर टहलता रहेगा, है ना, और कई बार कैसा लगता है, एक चीज बोलता है मम्मी जी ब्लीडिंग तो रुक नहीं रही, ऐसा तो मर तो नहीं जाएंगे हम इससे, ब्लीडिंग रुक नहीं रही तो हमें मरने का ज्यादा डर लगता है, तो उसकी मदर भी बोलेगी, उसका अटेंडर बोलेगा, पेशेंट भी बोलेगा, जो ब्लीडिंग रुकती नहीं 5-8-10 दिन, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं हो कि इसकी वजह से क्या हो जाए, मेरी डेथ हो जाएगी, फियर ऑफ डेथ देखने को मिलता है, जानवरों से बहुत ज्यादा डर लगता है, स्पेशली स्पाइडर, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइस वाटर, हम फ्रिज में सब लोग तो ठंडा पानी पीते हैं, हम लोग तो बर्फ सी जम जाती तब उसको पीते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है, और कुछ नहीं, कुछ कई पेशेंट्स होते हैं वो बताते हैं ऐसे नहीं, सिम्टम्स सब मिलते हैं, लेकिन हर पेशेंट में हर एक सिम्टम नहीं मिलता, हर एक केस में कई पेशेंट्स क्या बोलते हैं, सर पता नहीं सपने क्या आते रहते हैं, ऐसा लगता है हम दावत में हैं, खाना खा रहे हैं, हम हमेशा सपने में पार्टी में रहते हैं, किसी ना किसी में खाना खा रहे होते, दावत उड़ा रहे होते, कई लोग कैसे होते हैं सर, बर्फ पे गाड़ियों में झूल रहे हैं, तो बर्फ पे रहते हैं हमेशा, इसमें राइड करते रहते हैं, उसी में चलते रहते हैं, सपने वही आते हैं, जैसे हम इसमें वाली प्लेसेस पे और वहां की जो गाड़ी है हमने वो कर रखी है सैलिक राइड, उस पर हम चल रहे हैं, ये दोनों ड्रीम्स है, जो भी कई जो पेशेंट से मैंने देखे हैं, एक बार जो पेशेंट आया था उसको हॉर्स हॉर्स के ड्रीम्स आ रहे थे, कई होते हैं उसको तुम्हारा बुल बुल के ड्रीम्स आते हैं, तो इम्पोर्टेंट होता है पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ड्रीम भी आपका, है ना, ऐसा लगता है कि जो हेमरेज के बाद पीठ हमारा जो सिकुड़ गया हो, यहाँ पे जो वो बोले कि यहाँ पे जाके आर्टिकुलेशन बैक और हिप में सेक्टोरियल जो रीजन पर कैसा लगता है, पेन होने बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें अनुभव मैंने इस रखती, चाहे उसको सेलिक राइड यानी जो स्नो पे जो बिना पहियों के जो गाड़ियों से हम जो राइड करते हैं उसमें वो सपने आते हैं, फिस्टिंग के सपने आते हैं कि पार्टी कर रहे हैं, उसको एकदम से रेस्टलेस है विद हेमरेज पेशेंट हमने, और फियर ऑफ डेथ बहुत ज्यादा है, फियर ऑफ डिसीज इम्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, फियर ऑफ एनिमल, फियर ऑफ स्पाइडर बहुत ज्यादा है, ऑल टाइप ऑफ हेमरेज है, उसको बैक में और में ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा, जैसे उसको बाउंड करके रखता है, उसको पीछे पकड़ के रखता है हमेशा, और टाइट बैंडिंग से उसको एम्बुलेशन देखने को मिलता है, बेरिंग डाउन सेंसेशन उसके साथ में देखने को मिल रहा है, और साथ में डिम साइट और पल्पिटेशन देखने को मिल रहा है, जब से उसको मिनोरेजिया मैक्रोरेजिया उसको साथ में हुआ है उसको पेशेंट को रहते, या फिर जो पेशेंट है वो कोई भी ओवर एडजस्ट नहीं कर पाते, लॉन्ग राइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं या लंबे समय तक वो 300-400 किलोमीटर की जर्नी कर लेते हैं, तो उनको मिनोरेजिया फिर मैक्रोरेजिया की जो कंडीशन है, इरेगुलर जो मेंसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, ऑल ओवर पिक्चर, क्या नाम है इस मेडिसिन का, इसको कॉमन नेम है इसका बर्थ रूट, इसका नाम है बर्थ रूट, किस मेडिसिन का नाम है बर्थ रूट, ट्रिलियम, ट्रिलियम पेंडुलम,
ट्रिलियम ट्रिलियम ट्रिलियम। अब यहाँ पे जाके हम लोग देखिए ट्रिलियम को लेके पेशेंट को कितनी बार दिया होगा ट्रिलियम, कितनी बार इन सिम्टम के आधार पर दिया होगा स्ट्राइकिंग सिम्टम्स। डेफिनेटली मिनोरिजिया के लिए क्या होगा, मैक्रोरिजिया के लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट ब्लीडिंग के लिए क्या होगा, लेकिन उपका लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो पानी बिता नहीं। टुक्के की जरूरत नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। इटिलियम तभी जाएगी जब ये सिम्टम मिलेंगे, मेरिपोलियम तभी जाएगी जब वो सिम्टम मिलेंगे, पॉपुलस तभी जाएगी जब पॉपुलस के सिम्टम मिलेंगे, और सेवाइना तभी जाएगी जब सेवाइना के सिम्टम मिलेंगे। हम किसी भी मेडिसिन को केवल एक ब्लीडिंग नहीं, एनी टाइप ऑफ हेमरेज, एनी टाइप ऑफ हेमरेज, ये सारी हेमरेजिक रेमेडीज है। केवल ऐसा नहीं कि मिलीपोलियम केवल मेनोरिजिया मेट्रोरिजिया के लिए अबॉर्शन की बात देते हैं, ये तब भी दिया जाता है जब किसी को इंजुरीज हो जाती है। ट्रिलियम तब भी दिया जाता है जब किसी को इंजुरी हो जाती है। पॉपुलस तब भी दिया जाता है जब किसी को इंजुरीज हो जाती है। तो मेडिसिन वाइडली यूज होती है हेमरेज में, हेमरेज में। अगर हमें ये सिम्टम्स मालूम है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, आपका पेशेंट कभी नहीं बेकार जाएगा, कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, उसे इम्प्रूवमेंट होगा, डेफिनेटली होगा उसके इम्प्रूवमेंट अगर हम इन सिम्टम के बेस पे जाएंगे। ठीक है, ये सिम्टम किसके सारे के सारे ट्रिलियम के, ट्रिलियम पेंडुलम। ठीक है, वहीं पे ये सारी मेडिसिन में अभी आपको कौन सी मेडिसिन पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा यूज होती है, वाइडली यूज करते हैं, लेकिन हम उन लोगों का सिम्टोमेटोलॉजी कई बार कैसा होता है आइडिया नहीं होता है, क्योंकि रफली आइडिया है ना सिलेक्टेड होते हैं। और लेकिन फिर भी फिक्स नहीं होना चाहिए, डिपेंड कुछ छूट रहा होगा तब भी, तो भी सारी पिक्चर्स तो हम लोग दे नहीं सकते हैं अभी, तब भी 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं हर एक मेडिसिन का, तभी हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। वहीं पे जाके हम लोग एक मेडिसिन को भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो भी कैसा, सपोज दैट कोई जो पेशेंट है उसका जो मेंसिस है या जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो इरेगुलर है और बढ़ जाता है, किस चीज को लेके, पेशेंट बोला कि हम डांस करते हैं तो बढ़ जाते हैं, डांस नहीं कर पाते, एग्जर्सन नहीं कर पाते, हम डांस करते हैं तो एकदम से मेंसिस जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। तो जब जब इस तरीके की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के साथ में ब्लड फ्लो हो रहा है, नेचुरल जो मेंसिस आ रहा है उसके साथ में जो ब्लीडिंग है वो डांसिंग से बढ़ रही है, मोशन से बढ़ रही है, और एक लंबे समय तक 8-9 days, 9-10 days, 7-8 days, 8 days मेंसेस रह रहा है, और हमेशा जब भी हमें पेन होता है, जब भी मेंसेस आता है, चाहे वो मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया और मेंसेस जब भी आता है, तो हमारा जो पेन होता है वो कैसा होता है, लेफ्ट ओवरी पर होता है, ओवरी से कहाँ जाता है, हिप पे। अब पेशेंट कभी नहीं बोलेगा कि ओवरी से हिप तक जा रहा है, पेशेंट हाथ रखेगा कि हाँ यहाँ पर पेन होता है और यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये आपको आइडिया लगाना है उसका हाथ कहाँ रखा हुआ है और एक्सटेंड वो कहाँ तक बता रहा है ना। क्योंकि कभी पेशेंट ऐसे नहीं आने वाले जो सीधे अपने लोगों को क्या करें, मटेरियल मेडिकल की लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो तो एक जस्ट अपना आइडिया देंगे। केवल 2-3 ऐसे जो पेशेंट होंगे जो एजुकेटेड होंगे, है ना, जो नेट से दूर के आ रहे होंगे, वो जो ब्लीडिंग होती है वो कैसी होती है, पेनलेस होती है ना। ठीक है, और साथ में जाके तो देखोगे कई बार को लेके बोलते कि हमें ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग अच्छी बात है, मेंसेस हो रहा है, प्रोटेक्टेड हो रही है, प्रोलॉन्ग हो रही है, मिनोरेजिक कंडीशन है, एसाइक्लिक ब्लीडिंग है, मैक्रोरेजिया है, लेकिन उसके साथ साथ लैटिन लगने लगती है, रेक्टम इरिटेशन होता है, मुझे लैटिन जानी पड़ती है, ये अजीब सा सिम्टम है। प्रॉब्लम यूटेरस की चल रही है, यूटेरस की प्रॉब्लम के साथ में इरिटेशन कहाँ पर होता है, रेक्टम में, रेक्टम में इरिटेशन होता है, हमें क्या होता है, स्टूल बार बार जाना पड़ता है, लैटिन जाने की बार बार इच्छा होती है, और जब इस तरीके से होता है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, दुखी हो जाते बहुत ज्यादा, चल क्या रहा है, क्यों सेम। कई बार ऐसा होता है, एक बार तुम्हारा एग्जाम ही छूट गया, फ्लो इतना हो रहा था, पैड पे पैड बदलने पड़ रहे थे, क्या जाते खा, छूट गया एग्जाम, सारे दोस्त चले गए आगे, हम पीछे रह गए। उसके बाद तो कई बार मैंने कॉलेज ही नहीं गए, क्या जाएंगे कॉलेज करके, सब लोग मजाक उड़ाते थे, जिस जिसको ये पता चले गया कि पीरियड की वजह से हुआ, लड़कियों ने अलग मजाक उड़ाया, क्यों, तो पीरियड इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, डॉक्टर वो क्यों नहीं दिखाते, और डॉक्टर को दिखा दिखा के परेशान है, कुछ फायदा नहीं मिल रहा है उस चीज को लेके, है ना। तो जहां पर चीजें देखोगे इस चीज को लेके, एक फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, और वीकनेस तो इतना ज्यादा हो गए, याद ही नहीं होता है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, 5 मिनट पढ़ लो थक जाओ,
जरा सा किसी का काम कर लो, थक जाओ, या पेशेंट यही सिम्टम्स को लेके आ जाए तुम्हारे पास में कि डॉक्टर साहब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, पीएससी की तैयारी कर रहे थे और बहुत मैंने रात दिन पढ़ाई की, रात दिन पढ़ाई की, मैंने 100% दिया अपना, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, और हमसे जो लोग होते वो घूमते रहते थे उनका सिलेक्शन हो गया, या फैमिली पीछे पड़ी रहती है, हमने तुम्हें कोचिंग भी लगवा दी, पढ़ाई भी करवा दी, उसके बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसको लेके एक टेंशन होना रहता है। और तब से कंडीशन कैसी हो गई है, मीन ओरिजिन मेंसेस हमारे रेगुलर चल रहा है, तो एक जगह पे जाके कैसा हो रहा है, पर्सन इन कंप्लेन की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया और एम्बिशन लॉस ऑफ में चला गया, और एक जगह पे एम्बिशन लॉस और लॉस ऑफ होने की वजह से ये कंप्लेन डेवलप हो गया, दोनों एंड देखने की कोशिश करनी। मतलब ये जो पर्सन है उसने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन उसको जब एट अ टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, प्रोफ्यूज था, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी, और पेशेंट उस वजह से एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाया, और वो अपने एम्बिशन उसका जो था जो ब्रेक हुआ, और पर्सन पैथोलॉजी में और भी ज्यादा उसको बढ़ गई, या फिर एक पर्सन का एम्बिशन ब्रेक हुआ, वो एक अपने एम्बिशन को फुलफिल नहीं कर पाया, एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाया, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाया, एक बिजनेस में जो सक्सेस होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, देन उसको क्या स्टार्ट हो गया, मेंसेस इररेगुलरिटीज उसको स्टार्ट हो गया, है ना। और वहां पर जाके देखोगे कि जनरली पेशेंट आगे बोलता है कि हमें सपने भी आते हैं आजकल, तो क्या लगते हैं, हर कोई हम हंस रहा है, चिल्ला रहे हैं, देखिए वो कितनी पढ़ाई की थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, बिज्जती फील होती है, तुम्हें सपने में भी लगता है कि हमारे क्या हो रहा है, हम बिज्जती हो रही है, हम दुख के साथ बैठे हुए हैं, है ना। कई बार तो सपने आते तो हम डर जाते सपने से उठ के, अरे चल क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके जो पेशेंट के साथ में देखोगे, चाहे वो जो ब्लीडिंग हो रही होगी इंटरमिटेंट ब्लीडिंग, चाहे वो प्लेसेंटा प्रीविया से हो रही हो, चाहे वो डायरिया के साथ हो रही हो, चाहे एग्जर्सन से हो रही हो, मोशन से एग्रावेशन है, डायरिया के साथ में है, एग्जर्सन से एग्रावेशन है, प्लेसेंटा प्रीविया का जो ब्लीडिंग होता है मेंसेस उसमें आ गया है, डांसिंग से एग्रावेशन है, एग्जर्सन से एग्रावेशन है, प्रोटेक्टिव ब्लीडिंग है, और मेंसेस कैसा है उसके साथ में क्या देखने को मिल रहा है, रेक्टम इरिटेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, रेक्टम में इरिटेशन देखने को मिल रहा है पेशेंट के साथ में, ठीक है। और वहीं पे जाके पेशेंट को कैसा है, खट्टी चीजें अच्छी लगती है, मीठा एकदम पसंद नहीं है, खट्टी चीजें पसंद आती है, मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो पेन है वो लेफ्ट ओवरी से कहाँ जाते हैं, बैक की साइड में पेन जा रहे हैं उसके साथ में, और उसकी वजह से कई बार जो पेशेंट्स है यूरिन में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिन में उसको बर्निंग देखने को मिल रहा है, यूरिन में उसको जलन देखने को मिल रही है यूरिन में, है ना, थिन डिस्चार्ज हो रहा है, क्लॉटेड डिस्चार्ज हो रहा है पेशेंट के साथ में, तो हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं, किस मेडिसिन को, सोना के लिए लिलियम टिक को नहीं देंगे, क्या मेडिसिन है, क्या एम्ब्राग्रिसिया हो सकता है, कई बार जो इसमें ब्लीडिंग होता है वो रिटर्न प्लेसेंटा के साथ भी देखने को मिलती है, रिटर्न प्लेसेंटा के साथ, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नक्सोबॉम का और अमेट एम्ब्राग्रेसिया लिलियम टेक, तो इसमें जिस हिसाब से भी दिया हो लेफ्ट साइड को लिया हुआ इसमें, लेकिन नहीं मेडिसिन कौन से, इरिजोरोन बहुत फेमस मेडिसिन है, बहुत ज्यादा लोग देते हैं स्पेशली ब्लीडिंग डिसऑर्डर, चाहे वो इंजरी के बाद हो, चाहे वो मेंसेस में इरेगुलरिटीज प्रोटेक्टेड के साथ हो, चाहे सारे सिम्टम एक साथ मिलेंगे तो मेडिसिन कौन सी है, इरिजोरोन, एक सिम्टम और इसमें ऐड कर लेना, बीपिंग यूरिनेशन ड्यूरिंग, क्योंकि जब इसको मतलब जब जब इसको मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया इरेगुलर मेंसेस होते हैं, रेक्टम इरिटेशन होता है, यूरिन पेनफुल हो जाती है, और यूरिन पेनफुल हो जाती है तो रोना आता है, इतना ज्यादा पेनफुल पेन रहती है, ये भी इरिजोरोन का सिम्टम्स है।
है, इसमें एक दो चीजें और ऐड कर सकते हो, कैविज एग्रावेशन है उसको, पी एग्रावेशन है, फैट रिच फूड एग्रावेशन है, ये जब भी आएंगे तब भी हम लोग इसको पल्सेट लेदर मेडिसिन में जाएंगे रिच फूड एग्रावेशन को लेकर। तो फैट प्लस रिच फूड एग्रावेशन भी इसमें रहता है, बीन्स पी एग्रावेशन देखने को मिलता है, कैविज एग्रावेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये इरिजनल है, इरिजनल मेडिसिन है, एक और मेडिसिन देखते हैं हम लोग जिसमें ए साइक्लिक भी रहता है, ये बहुत काफी फेमस मेडिसिन है, ये जनरली मटेरियल मेडिका में लिखा गया है सर, कि जहाँ पर पेशेंट का ब्लीडिंग रुके नहीं, एक पीरियड खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, तो जैसे भी पीरियड स्टार्ट हुआ देन दूसरा जब खत्म तो हुआ नहीं, दूसरा पीरियड भी स्टार्ट हो गया, मतलब कंटिन्यूस 2 महीने तक ब्लीडिंग रुकी नहीं। मटेरियल मेडिका में तो एक ही मेडिसिन को मेंशन किया गया है बोरिक में, तो कौन सी मेडिसिन के अंदर आता है ये सिम्टम, किस मेडिसिन का है? किस मेडिसिन का सिम्टम है? क्या बोले सर, फिर से बोलिए तो। एक पीरियड खत्म नहीं होता है, दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है, मतलब कंटिन्यू से ब्लीडिंग चलती रहती है 1-2 महीने तक। हेलो फाइलम, नहीं, ये रेमेडी मास्टरबेशन के लिए जानी जाती है, इसीलिए लोग इसको सिर्फ मास्टरबेशन में याद रखते हैं। अपने साथ सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, अपन लोगों ने मेडिसिन को बहुत गंदे तरीके से उसको सेट कर रखा है, नहीं मतलब ये मास्टरबेशन के लिए कर, रिमूव टू द मास्टरबेशन। अब तो कौन सी मेडिसिन आएगी? अस्टिलेगो अस्टिलेगो अस्टिलेगो, लेकिन अस्टिलेगो सिर्फ लोग अस्टिलेगो की बात आएगी ना, अगर आप किसी को प्रिस्क्राइब भी कर दोगे होम्योपैथ को तो बेचारा दुखी हो जाएगा, अस्टिलेगो दे दिया, मास्टरबेशन टेंडेंसी तो है ही नहीं, फिर काहे के लिए दे दिया? मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मास्टरबेशन के साथ ही अस्टिलेगो होगा, उसके कोई सिम्टम्स नहीं है, डेफिनेटली सिम्टम्स है, और ये सबसे अच्छा काम करते, मैंने कई प्लेसेस पर कई पेशेंट्स को दिया होगा और उसका मेंसेस एकदम बंद हो गया, मतलब जो इरेगुलरिटीज वो क्लियर हो गया, रिकवर कर गया पेशेंट अस्टिलेगो के साथ, तो केवल मास्टरबेशन वहां पे नहीं मिला पेशेंट के साथ, लेकिन हमारे माइंड में क्या सेट कर दिया गया, मास्टरबेशन हटाने के लिए कौन सी रेमेडी है? अस्टिलेगो। सेम उसी तरीके से पथरी हटाने के लिए कौन सी है? बर्बरिस वल्गरिस, राइट ना, सनस्ट्रोक के लिए ग्लोनाइन, कंजक्टिवाइटिस के लिए यूफ्रेशिया, ये तो करते अपन लोग नहीं, माइंडसेट ये गलत है, ये गलत होता है, इसको हम लोग खामियाजा हम लोग सबको वो करना पड़ता है, ठीक है। जनरली ये कैसा था पर्सन, ये जो कंडीशन देखने को मिलती है पेशेंट के साथ में, ऐसा नहीं ये चीज देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे जाके देखो पर्सन कैसा होता है, एक तो लेसिवियस फैंसीज बहुत ज्यादा है, एक क्योंकि मास्टरबेशन टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ये चीज देखने को मिलेगा पेशेंट के साथ में, और दूसरा होता है इसमें अबॉर्शन टेंडेंसी देखने को मिलता है। ये मेडिसिन बहुत अच्छी है ऐसी फीमेल्स जो कैसे होती है, फ्लैबी होती है, जो फैटी फीमेल्स हैं, बहुत ज्यादा फैट उनके ऊपर है और उनके साथ में अबॉर्शन की टेंडेंसी अगर उनको बहुत ज्यादा हो रहा है, और कई बार को लेके जो इनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट ओवरी, और पेशेंट के साथ में देखोगे कि कई बार को हार्डनिंग देखने को मिलता है लेफ्ट ओवरी एंड यूटेरस के पास में, यूटेरस के ऊपर जहाँ पर लेफ्ट ओवरी है यूटेरस है वो हार्ड है, इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है ओवरी और इसका यूटेरस का, जहाँ पर अबॉर्शन टेंडेंसी देखने को मिल रहा है फ्लैबी एंड जो वुमेन्स है फैटी वुमेन्स में, और साथ में जाके पेशेंट्स तुम पूछ रहे हो स्वभाव कैसा है, बता तो दिया कितना बताए, क्या आप जी जी पूछते रहते हो, उसे गुस्सा आ रहा है, आप क्वेश्चन कर रहे हो उसे गुस्सा आ रहा है,
बात करने में, और हम लोग जल्दी पकड़ लेते जो रिपेटिव वाले होते हैं, इरिटेबिलिटी क्वेश्चन मैंने, वो इरिटेबिलिटी क्वेश्चन मैंने मतलब मैक्सिमोमीटर, ब्रैनिया और हम जैसे ग्रुप, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को नहीं, ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, इरिटेबिलिटी क्वेश्चन मैन, इरिटेबिलिटी स्पोकन मैन, जब उसे बोलना पड़ता है, जब उसे बात करनी पड़ती है, जब कोई उसे क्वेश्चन पूछता है, पेशेंट नहीं चाहता उसे आंसर दे हम किसी को, तो क्लिनिक पे आके पेशेंट कैसा हो जाता है, साइलेंट बैठा रहता है, तुम आंसर भी देगा बहुत माइनर छोटे मोटे आंसर कट कट कर, ऑन इरिटेटिंग टोन, विद इरिटेटिंग टोन, इरिटेटिंग वे देखने को मिलता है पेशेंट के साथ, ठीक है ना, और पेशेंट हमेशा उसके साथ में कैसा डिससेटिस्फेक्शन, और कई बार उसको क्या लगता है जैसे बॉडी जकड़ गई है मेरी, वायर से किसी ने बांध दिया, हम लोग कैक्टस पढ़ते रहते हैं हमेशा ना, हार्ट पे लगता है उसको, इसको पूरी बॉडी कैसा लगता है जैसे किसी ने क्या कर दिया हो, वायर से बांध दिया, और वहीं पर जाके इसके विशा के जाकर देखोगे तो जो मेंसेस से बहुत ज्यादा होता है, डार्क क्लॉटेड होते हैं, प्रिपेंट होता है हर एक बीच में, रोबिटिनिसियस जैसा होता है, बोलते कि जो पीरियड होता है ऐसा लगता है जैसे रस्सी से खींच रहा हो, जब रस्सी जैसे खींचने से डिस्चार्ज आते हैं तो हम लोग क्या सोचने लगते हैं, काली बाई का हार्ट रस्टिस जैसी मेडिसिन आती है, ऑस्ट्रेलिया को जैसी मेडिसिन हमारे माइंड में आती नहीं है, है ना, और जहाँ पर जो ओवेरियन पेन है वो कहाँ पे जा रहे हैं, हिप पे जा रहे हैं, थाई पे, जहाँ पे पेन देखने को मिल रहे हैं, या फिर जो ब्लीडिंग है वो डिलीवरी के बाद स्टार्ट हुआ है, फाइब्रॉइड के साथ शुरू हुआ है, और या फिर जो मेंस्ट्रुअल जो मेट्रोरेजिया है वो पेनलेस है, इसके साथ में देखने को मिलता है, और जो ब्लड होता है वो कोगुलेटिव होता है, लेकिन ब्लीडिंग कैसी होती है हमेशा स्लो, मिलीपोलियम गसिंग प्रोफ्यूज, ट्रिलियम गसिंग प्रोफ्यूज, इसमें ब्लीडिंग कैसी होती है, ऑलवेज स्लो, धीमा 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 धीमा, जरा जरा सा ब्लड निकलता रहेगा, ब्लड कंटिन्यूस रहेगा लेकिन ब्लड कैसा होगा, स्लो, जबकि अभी तक हम लोगों ने जितनी मेडिसिन पढ़ी है उन्हें ब्लड फ्लो कैसा है, तेज, फास्ट, गसेस ऑफ द ब्लड, इसका जो ब्लड फ्लो है वो कैसा है, स्लो, ठीक है, और पेशेंट कैसा है, खाने में क्या अच्छा लगता है, एप्पल, सेब बहुत अच्छे लगते हैं, हम कितने भी सेब खा सकते हैं, दिन में 10-10-20-20 सेब खा लेते हैं, खट्टी चीजें अच्छी लगती हैं, और छोटा मोटा खाना पसंद है नहीं हमें, जैसे हम देखते हैं ना कई लोग होते हैं जो कि जैसे हम लोग देखते हैं कई जो होते हैं अपन लोग जैसे गुजरात वालों को देखें या अदर्स को देखें वो भरपेट नहीं थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं, और जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाले तो क्या करते हैं इकट्ठी 5 रोटी खाएं टेंशन खत्म, सुबह 5 दोपहर को 5 रात को 5 बीच का कोई कार्यक्रम नहीं है, है ना, इकट्ठा खाना, और हम लोग क्या चाहिए सॉलिड फूड, कई लोगों तो उनका चावल से पूरा दिन कट जाता है, कई लोग रोटी के बिना दिन नहीं कटता है, चावल कितना भी खा लें लेकिन जब तक 2 रोटी पेट में नहीं जाएगी तब तक भूख पूरी नहीं होगी, मतलब उन्हें क्या चाहिए सॉलिड फूड, ऑस्ट्रेलिया को मेडिसिन होता है जिसके साथ में कैसा होता है सॉलिड फूड का डिजायर होता है, रोटी चाहिए हमें, रोटी के बिना नहीं रह सकते आप, है ना, जो स्ट्रॉन्ग फीचर है इसका पेशेंट के साथ, और जब वो जब उसको मेनोरिया की कंडीशन होती है कई बार को लेके तो पेशेंट कैसा होता है ट्रेम्बल्स कर रहा होता है, एकदम जो सुबह जागते हैं ना तो बहुत कपकपी होती है, इतनी कमजोरी आ जाती है कई बार को, चलते फिरते रहेंगे देन ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो जहाँ पर कोगुलेटिव ब्लड है, ब्राइट रेड ब्लड है, डिलीवरी फाइब्रॉइड है, मेट्रोरिजिया पेनलेस देखने को मिल रहा है, ओवेरियन पेन है जो हिप पे थाई पे लेफ्ट ग्रोइन रीजन पे जा रहा है, एप्पल का डिजायर है, सार फूड का डिजायर है, और हैवी फूड सॉलिड फूड चाहिए इन लोगों को, ट्रेवलिंग देखने को मिल रहा है, अबॉर्शन टेंडेंसी इन द फ्लेवी वुमेन है, एनलार्जमेंट है लेफ्ट ओवरी यूटेरस का, हार्डनेस देखने को मिल रहा है, लेसिवियस फैंसीज है, एमोरस है, और कई मतलब कि अगर पेशेंट के साथ में ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहा है डेफिनेटली हमारा माइंड किसकी तरफ जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जहां पर क्वेश्चन कैसे इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन किस चीज को लेके कोई बात नहीं करे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को अपन लोगों ने वो मेडिसिन पढ़ी है जो बहुत कॉमन और यूज में बहुत ज्यादा आती है, फ्रिक्वेंटली यूज में मेडिसिन आती है, जब जहां पर हम लोग किस देख रहे होते हैं मीनोवेज मेट्रोवेज, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है डिफ्रेंसिएशन, तो हम लोगों ने इन मेडिसिन का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश किया होगा यहाँ पर जाकर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन का क्वेश्चन कर सकते हो, और होप सो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने इतना डिटेल में देखा होगा इसको पहले, इन मेडिसिन को तो स्पेशली, चाहे वो ट्रिलियम हो रिजरोन हो, क्योंकि तो सिर्फ इसलिए लोग याद में है ब्लीड होगी तब देना है, लेकिन कब देना है बहुत कम लोग है जिनके पास में क्लियर कट पॉइंट है, ये है तो ये है, ये है तो ये है,
लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो हम लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए, डिफेंस ही सर, ब्लाइंड नहीं जाना चाहिए कभी भी, जब भी तीर मारे तो निशाने पे लगना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ फॉलो नहीं होगा सफर करना पड़ेगा फिजिशियन को भी और पेशेंट दोनों को। अकेला पेशेंट सफर नहीं करता, फिजिशियन भी सफर करता है, आपका पेशेंट चला जाएगा और साथ में आपके 500 रुपये चले जाएंगे तो दोनों लोग सफर करोगे ना, 500 भी गए और पेशेंट भी गया, और पेशेंट को आराम नहीं मिला तो पेशेंट भी सफर कर रहा है और डॉक्टर भी सफर कर रहा है। सफर बोथ साइड का होता है, अकेला एक साइड का नहीं होता। ठीक है, तो आज अपन लोग यहीं तक रखते हैं, अपन लोग 2 घंटे भी हो गए अपन लोग पास, तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगाए, कल से थोड़ा सा पढ़ के भी आना, तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, कल टाइम टू टाइम क्लास होगी अपन लोग की, 2 बजे से रखेंगे इसको, 2 से 4 टाइम को लेके किसी सर ये जो क्लास अभी जो लिए सर उस सॉफ्ट का भी हम लोग को उपलब्ध हो सकता है सर, सॉफ्ट स्लाइड वगैरह स्लाइड जो अभी केस हिस्ट्री के जो सर जो बोले ना उसी अलग वो सब इन्हें वगैरह का जो सिम्टम था पेशेंट का। अच्छा, जो नोट्स वगैरह दे दें इसके, ऐसा? हाँ जी सर, ठीक है, कोशिश करेंगे लास्ट में, मेरे पास नोट्स में दे सकता हूँ, लेकिन मेरी हैंडराइटिंग में रहते हैं कई बार को, कई बार नोट्स होते भी नहीं है, तो कोशिश करूंगा मैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, देख लूंगा उसको। ठीक है सर, ठीक है, तो कल मिलते हैं अपन लोग, टाइम को लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कल 2 से 4 ही रहेगी, होगा तो ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे अपन लोग, ठीक है, मिलते हैं कल।